हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम जूलॉजी आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डी 24, जिसमें जूलॉजी के अपने टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं एनिमल किंगडम एनिमल स्ट्रोलॉजी एंड कॉकरोच फ्रॉक की मोर्फोलॉजी है क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इसमें कौन सी मल्टी सेलुलर ग्लैंड नहीं है नोट ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड इसमें कौन सी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेलुलर से ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर है ये मल्टी सेलुलर गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड मल्टी सेलुलर सीबेशियस ग्लैंड मल्टी सेलुलर तो बाकी सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड है ये पूछ रहा है विच इज नोट मल्टी सेलुलर ग्लैंड इट मीन यूनिसेलुलर ग्लैंड इनमें से कौन सी है तो गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नाम ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होगी क्लियर करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन स्टेटेड मसल्स इनमें से नॉन स्टेटेड मसल्स के करेक्टर कौन सा है सिलेंड्रिकल स्ट्रिप्ड एंड ब्रांसड ये नहीं होंगी ये स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स के करेक्टर है सिलेंड्रिकल हो गई स्ट्रेटेड मसल्स स्पिंडल अनब्रांस एंड वॉलेंट्री ये वॉलंट्री नहीं होती वॉलेंट्री आ गए इसलिए ये नहीं होगी स्पिंडल यूनि न्यूक्लियट एंड अनब्रांसड ये करेक्ट है सिंगल न्यूक्लियस होगा स्पिंडल से तर्कुरूपी होंगी और उसके साथ साथ अनब्रांस फाइबर होंगे फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस में इन फंक्शंस के बारे में देखें फर्स्ट फंक्शन स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी बॉडी की स्ट्रक्चरल फ्रेम तैयार कर रहा हो संरचनात्मक ढांचा बना रहा हो वेट बियरिंग फंक्शन शरीर का भार वहन कर रहा हो मस्कुलर अटैचमेंट मसल्स के साथ अटैच होकर बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी कवरिंग बना रहा है और उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी कर रहा है विच वन इज द ट्रू अबाउट बोन्स बोन्स के लिए इनमें से ट्रू है बोन्स सारे काम कर रही है स्ट्रक्चरल फ्रेम भी तैयार कर रही है बॉडी का वेट बियरिंग फंक्शन भी होता है देखते हैं अब टीबी फ्यूबला है फीमर है ये पूरी बॉडी वेट को जो है वो अपने ऊपर साधे रखती हैं तो वेट बियरिंग फंक्शन मस्कुलर अटैचमेंट भी कर रही है मूवमेंट करवाएगी मस्कुलर अटैचमेंट करके और सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको सपोर्ट करना प्रोटेक्ट करना ये भी फंक्शन है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी करनी है आर बी सी डब्लू बी सी जो बनती हैं वो भी बोन मेरो के अंदर बनती हैं तो ये सारे ही बोन से रिलेटेड फंक्शंस हैं तो ये इनमें जो है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सारे बोन के फंक्शंस होंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चूज़ द करेक्टली करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना आपको मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी सिंपल एपिथीलियम बक्कल कैविटी की मोस्ट सरफेस पे सिंपल एपिथेलियम नहीं होता कंपाउंड एपिथिलियम होगा तो ये इनकरेक्ट इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्योल स्क्वेमस एपिथीलियम ब्रॉक्योल की इनर सरफेस पे स्क्वेमस एपिथीलियम नहीं होती सिलियटेड एपिथीलियम होगी तो ये इनमें इनकरेक्ट हो गया लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन क्यूबोइडल एपिथिलियम ये क्यूबोडल एपिथीलियम नहीं होती कॉलमनर एपिथिलियम होगी ये भी इनकरेक्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबोडल एपिथिलियम नेफ्रोन का जो ट्यूबुलर पार्ट है पीसीटी डी और लूप ऑफ हेनलेग की थिक पार्ट जो है इनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथिलियम होगी तो ये इसमें करेक्ट पेयर है बाकी इसमें इनकरेक्ट है क्लियर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर कंपाउंड एपिथिलियम इज फाउंड इनमें से वो लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है जिसमें कंपाउंड एपिथिलियम प्रेजेंट होता हो फेरिंग्स में कंपाउंड एपिथिलियम होता है करेक्ट है सरफेस ऑफ स्किन तो ऐसा अच्छा की सरफेस पे भी होता है कंपाउंड एपिथिलियम पीसीटी में कंपाउंड एपिथिलियम नहीं होता पीसीटी में कौन सा होगा सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल स्क्मस एपिथिलियम होता है तो किस टाइप का होगा सिंपल एपिथिलियम होगा तो पीसीटी नहीं होगी मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल केविटी ये भी सही है बक्कल केविटी की भी नम सतह पे मोइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होगा इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्योल्स ब्रोंक्योल्स की इनर सरफेस पे नहीं होगा क्योंकि ब्रोंक्योल्स में कौन सी होगी सिंपल एपिथिलियम होती है सिलियेड एपिथिलियम होती है तो सिंपल सिलियटेड एपिथिलियम होगी कंपाउंड एपिथिलियम नहीं है पूछा क्या है कंपाउंड एपिथिलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा तो so, कहाँ होगा फेरिंग्स में सरफेस ऑफ स्किन एंड मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी ए बी एंड डी तो ए बी और डी करेक्ट होंगे इसके थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सेलेक्ट द इन करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू तंत्रिका उत्तक के संबंध में सही को सेलेक्ट ये रिगार्डिंग इनकरेक्ट इनकरेक्ट टिश्यू जो है उसको आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए सेलेक्ट करना सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू तो न्यूरल टिश्यू के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरोन्स करेक्ट है न्यूरोग्लियल सेल्स या तंत्रीबद्ध कोशिकाएं हैं वो न्यूरोन्स को सपोर्ट भी करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है न्यूरोन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू दे रखा है एनसीआर में कि पूरे न्यूरल टिश्यू का मोर देन वन हाफ जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स बनाती है न्यूरोन्स द यूनिट ऑफ न्यूरोल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स न्यूरोन्स जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं न्यूरोग्लिया सेल्स हेल्प नर्व ग्रो रेपिडली न्यूरोग्लियल सेल्स नर्व को या तंत्रिकाओं को तेजी से वृद्धि करने में सहायता करती हैं। ये इसमें गलत है ये इनके न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन नर्व की ग्रोथ में नहीं होता सपोर्ट कर सकती हैं उसमें उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कंपोज करती है लेकिन इसकी ग्रोथ में इसका कोई रोल नहीं होता है तो ये इसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया तो क्या हो गया आंसर फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर सेवन कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दम सारे पॉइंट आपको देखने हैं और इसके लिए एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है चूज द दंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दम स्टेटेड अपियरेंस रेखित रूप इनवॉलेंट्री एनएच होती हूं ब्रांच होती हूं और कम्युनिकेशन जंक्शन होते हो इट मींस इस तरह की मसल्स कैरेक्टर है स्पिंडल से फाइबर होंगे इस तरीके से लाइट डार्क बैंड होंगे इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है हो। और इसके साथ साथ ब्रांस फाइबर होते हैं ऐसे ये फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ये इस टाइप से ब्रांसड फाइबर होंगे और ब्रांस फाइबर होने के साथ साथ इनके अंदर बीच बीच में जो है वो क्या होंगे जंक्शन होते हो इस तरह की मसल्स जो है वो क्या होगी किस तरह की मसल्स चाहिए ये ये कार्डिक मसल्स के करेक्टर होंगे सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ये आपने किसको रिप्रेजेंट कर रही है कार्डियक मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही है क्लियर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग डायग्राम निम्न चित्र के संदर्भ में सत्य विकल्प को छांटना है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें देखना है पहला ए दे रखा है अब देखिये आप तीनों डायग्राम में ये तो क्या है स्केलेटल मसल्स हैं ए स्केलेटल मसल्स और बी जो है वो उसमें स्मूथ मसल्स जिनको हम विसरल मसल्स भी कहेंगे इन्वोलेंट्री मसल्स भी कहेंगे और सी जो है वो उसमें कार्डियक मसल्स है सी कार्डियक मसल्स है तो आप देखिए ए स्केलेटल मसल्स बी स्मूथ मसल्स सी कार्डियक मसल्स पहला ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में कार्डियक मसल्स दे रखा है तो ये वैसे रोंग हो गया थर्ड ऑप्शन में पहला स्टेटेड मसल्स दूसरा स्केलेटल मसल्स, तो एक ही चीज होती है, और जो है वो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा जिसमें ए स्केलेटल है बी स्मूथ मसल्स है और सी कार्डिक मसल्स है क्लियर क्वेश्चन नंबर नाइन कंपाउंड एपिथीलियम इज एप्सेंट ओवर कंपाउंड एपिथेलियम कहां एब्सेंट होता है तो एब्सेंट बताना आपको कहाँ होता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन यहां प्रेजेंट है मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी यहां प्रेजेंट होगा कंपाउंड एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब में एबसेंट होगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है फेलोपियन ट्यूब में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है वहां कंपाउंड नहीं होता डक सेलाइवरी ग्लैंड डर पेनक्रेटिक डक्ट दोनों में ही कंपाउंड एपिथिलियम है तो ये भी करेक्ट है तो ये पूछा है एबसेंट ओवर किस जगह एबसेंट होता है ट्यूब पे ये एबसेंट होगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर टेन द मोस्ट एपेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडीज सबसे ज्यादा और विस्तृत रूप से फैला हुआ उत्तर जो है वो मानव शरीर में कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दे रखा है हाइंड विंग्स इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम कॉकरोच में हाइंड विंग्स या पश्च पंख है वो किस खंड से अराइज होते हैं प्रोथोरेक्स मिजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स एब्डोमेन किस से होंगे हाइंड विंग्स की बात कर रहा हूं जो उड़ने में काम आते हैं कहां से अराइज होंगे मेटाथोरेक्स से और फोरविंग्स किससे राइज होते हैं मीजोथोरिक्स से फॉर मीजो से wings, से क्या पूछा है from, तो कहां से होंगे? से, होंगे. हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिगार्डिंग मेल्पिजिन ट्यूब्यूल मेल्पिगिन नलिकाओं के संबंध में कौन से स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन पूछा है पहला स्टेटमेंट दे रखा है रिमूवल ऑफ एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिंप हीमोलिंप से एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट को रिमूव करना करेक्ट है फंक्शन होता है इसका ये इट इज रेड इन कलर रेड कलर में नहीं होती येलो कलर में होती है एंड थिन फिलामेंटस होती है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ये थर्ड है इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट मेलपीजियन ट्रिब्यूल है वो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे होती है ना कि इसमें फोरगट और मिडगट के फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या होती है गैस्ट्रिक सिक्की या हिपेटिक सिक्की होती है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे क्या होती है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे नहीं होती है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे होती है तो ये बी और सी दोनों इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या हो गया ओनली ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका ओनली ए उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कितने कथन सही है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन इनोच करेक्ट है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा ब्लड ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो नोन एज हिमोलिम्फ

डोर्सल लाइन पे जो है वो प्रेजेंट होगा जब किसमें क्या दे रखा वेंट्रल लाइन पे तो इसलिए भी इनकरेक्ट हो गया तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए ए करेक्ट है बी करेक्ट है और डी करेक्ट है तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेलेक्ट द ओड वन इनमें से सबसे अलग को या विषम को पहचानना है मेलपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है फैट बॉडी कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है नेफ्रोसाइट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का काम करता है एलरी मसल्स ये हाइट में पल्सेशन करवाती है तो हाइट की मूवमेंट के लिए एक तरीके से जो कार्डियक मसल्स काम करती हैं वैसा काम इनमें एलरी मसल्स करती हैं तो ये इनमें सबसे अलग है बाकी तीनों

एनल सरसाई फीमेल में प्रेजेंट मेल में एब्सेंट बता रखा है जबकि ये क्या होती है एनल सरसाई मेल फीमेल दोनों में होती है और एनल स्टाइल ओनली मेल में होती है क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग केवल ए सही है तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा ओनली ए करेक्ट है करेक्ट पूछा ना तो ये करेक्ट पूछा तो ओनली ए करेक्ट है ए और बी करेक्ट नहीं है तो ये इसके हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन कोक्रोज। इनमें से कौन सी कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन कौन सा नहीं है तो संवेदी अंग इनमें से कॉकरोच का कौन सा नहीं है एंटीना यह संवेदी अंग है लेबियल पेल्प संवेदी अंग है मैक्सिलरी पेल्प संवेदी अंग है एनल स्टाइल संवेदयन नहीं है क्यों एनल स्टाइल या गुदा सूप जो होती हैं वो केवल मेल कॉकरोज में प्रेजेंट होती हैं और वो एक तरीके से इनमें कॉपुलेट्री पार्ट होता है कॉपुलेट्री ऑर्गन होता है जब तक मेल फीमेल मैटिंग कर रहे होते हैं तब तक इनमें एनल स्टाइल जो है वो इसमें यूज होता है क्लियर यहाँ तक तो उनकी मैटिंग में यूज होता है एनल स्टाइल इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें क्या रह गया ये इसका पॉपुलेटरी ऑर्गेन है और बाकी सारे के सारे इसके सेंसरी ऑर्गेन है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाउ मेनी मोल्टिंग आर अकर्स इन निम्फ टू कन्वर्ट इन एडल्ट कॉक्रोच के निम्फ से एडल्ट अवस्था में आने के लिए वयस्क अवस्था में रूपांतरित होने के लिए कितनी बार निर्मोचन या कितनी बार मोल्टिंग कर सकता है तो कितनी बार मोल्टिंग करता है ये 13 टाइम जो है वो इसमें मोल्टिंग होगी और 13 मोल्टिंग के बाद जो है वो एक निम्फ कॉकरोच किसमें कन्वर्ट होता है एक एडल्ट कॉकरोच में मॉडिफाई होता है इससे पहले तक वो कई तरह के मॉडिफिकेशन करता रहेगा साइज में ग्रो करता रहेगा और उसके बाद 13 मोल्टिंग के बाद जब उसमें फोर विंग्स हिंड विंग्स ये इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं तब जाके वो एक एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखता है क्लियर तो करेक्ट क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड थर्टीन मोल्टिंग के बाद होगा ठीक है उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर एटीन जीनाइट पाउच इन फीमेल इज ऑफ फीमेल कॉकरोच में या एक मादा कॉकरोच में जिनाइटल पाउच जनरल कक्ष जो है वो कौन कौन से सेगमेंट के स्टर्नाइट या टर्ट से बनता है फीमेल में सेवेंथ स्टरनाइट जो होती हैं वो बोट सेप होती हैं

तो एट, है। वो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगी एट, स्टर्नम, ये मिलकर जीनाइटल उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट इनमें से कौन सी चीज फोरगट और मिडगट के संधि पर स्थित होती है मेलपीजन ट्यूब्यूल्स गैस्ट्रिक सिक्कीस प्रोवेंटि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे जो है वो कौन सी होती है इनमें गैस्ट्रिक या हिपेटिक सिकी है वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ होती है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे होती हैं जो हिमोलिम्प से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती है क्लियर तो इसमें करेक्ट आंसर आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एंड के जंक्शन पे पूछा तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा गैस्ट्रिक सिकी क्लियर सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लार्ज ओवरीज आर लोकेटेड इन फीमेल कोक्रोच मादा कोक्रोच में बड़ी ओवरी होती हैं जो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं तो फीमेल कॉकरोच में जो ओवरी होती हैं वो सेकंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में मेल कॉकरोच में टेस्टिस जो होते हैं वो फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में क्लियर तो करेक्ट आंसर पूछा क्या है ओवरी का पूछा है कि ओवरी जो होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है फीमेल कॉकरोच में तो कहाँ होगी सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट करेक्ट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में आप देखें इसमें दिया हुआ विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मशरूम ग्लैंड एंड कोलियल ग्लैंड लेटीरियल ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड के लिए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट मशरूम ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है मशरूम ग्लैंड यूट्रिकुलर ग्लैंड छत्र ग्रंथी किसमें पाई जाती है ये मेल कोक्रोच में होती है और को या संपार्श्विक ग्रंथि है वो फीमेल कोक्रोच में होती है क्लियर पहला ऑप्शन दे रखा है बोथ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मेल कोक्रोच इनकरेक्ट दोनों एक में नहीं होती बोथ ग्लैंड इन फीमेल कोक्रोच इनकरेक्ट इन ग्लैंड एंड मशरूम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फीमेल कोक्रोच एंड मेल कोक्रोच रेस्पेक्टिवली क्रमश है को ग्लैंड तो किस में है फीमेल कोक्रोच में और मशरूम ग्लैंड है वो किस में है मेल कोक्रोच में ये इसका करेक्ट हो जाएगा सिक्वेंस ये सही है इसकी अगले में कोल एटीरियल ग्लैंड एंड मशरूम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल कॉक्रोच एंड फीमेल कॉक्रोच इसमें पहले कोलियल ग्लैंड को किसमें बताया मेल में बताया इसलिए इनकरेक्ट है करेक्ट कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा को लेटीरियल ग्लैंड कहां पाई जाती है कोलटीरियल संपार्श्विक ग्रंथियां फीमेल कॉकरोच में और मशरूम ग्लैंड जो होती है वो कहां पाई जाती है मशरूम ग्लैंड है वो मेल कॉक्रोच में होती है क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में बायोलेक्ट्रल सिमेट्री मैटामेरिकाउंड बाइलेक्ट्रल सिट्री स्टार्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है एनलीडा एंड ऑर्थ्रोपोडा उसके बाद आप देखें अब यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि एनेलिडा आर्थ्रोपोडा से पहले का कोई फाइलम नहीं हो सकता क्लियर उसके बाद दे रखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंडिंग अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आर्थ्रोपोडा में से किन में होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा में क्लियर अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें पाइला मोलस्का का मेंबर है प्रोन आर्थ्रोपोडा का मेंबर है अर्थफॉम एनेलिडा है जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है तीनों प्लेना इसमें ना तो सिमेट्री है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इनके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रोन हो जाएगा क्योंकि ये किसका मेंबर है प्रोन या पेलीमोन जो होती है जिंगा, वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और आर्थ्रोपोडा के लिए तीनों स्टेटमेंट तीनों कैरेक्टर जो है वो सही है बायोलेटरल सिमेट्री भी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी होता है और इसके साथ साथ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा प्रोन क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में आप देखें द बॉडी इज नॉट लाइंड बाई मिजोडर द दिजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्टर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या देखा है कि से बॉडी

एसकेल मिन्थिस शुडोसिलोमेट है और यह किसको बता रहा है शुडोसिलोमेट को क्लियर तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 24 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड अब आप देखिए यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स दंस कोशिकाएं जो होती हैं किन में पाई जाएंगी किसका कैरेक्टर है सिलेंटेटा का नीडोब्लास्ट सेल्स सिलेंटेट्स में रेड्यूला किस में पाया जाता है मोलस्का में कॉम्ब्लेट कंगक किस में पाई जाती है टीनोफोरा में कॉम्ब्लेट टीनोफोरा गुण है और स्पाइनी बॉडी इसका मतलब बॉडी पे पूरी स्किन पे कांटे जो पाए जाते हैं वो किसका कैरेक्टर है इकाइनोड्रोमेटा का तो ये स्पाइनी बॉडी इकाइनोड्रोमेटा का कैरेक्टर है ये हो गया सेकंड के साथ अब आप मैचिंग देखें ए के साथ फोर बी के साथ थ्री तो फोर थ्री वाली मैचिंग का है फोर थ्री वाली मैचिंग थ्री और फोर में है अब फोर थ्री के बाद इसमें फर्स्ट और सेकेंड तो फोर थ्री फर्स्ट सेकेंड तो फोर्थ थ्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद देखें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिया हुआ है द बॉडी ऑफ बैलेनोग्लोस कंपोज ऑफ बैलेनोग्लोस का शरीर बना होता है बैलेनोग्लोस ध्यान भी आपको बैलेनोग्लोस किसका मेंबर है हेमिकोडेटा का और हेमिकोडेटा में बॉडी कितने पार्ट से कंपोज होती है थ्री पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में क्लियर तो बैलनो की बॉडी जो है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाएगी प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड हो जाएगी तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रह जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज लिविंग फॉसिल इनमें से लिविंग फॉसिल जो है वो कौन सा एनिमल है तो लिविंग फॉसिल जो है कौन सा इनमें से लिम्यूलस जिसको किंग क्रेब कहेंगे लिम्यूलस का कॉमन नेम होता है किंग क्रेब और ये लिविंग फॉसिल इसको कहा जाता है लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं इसको कि ये अपनी ओरिजिन से आज तक अपनी उसी आइडेंटिकल फॉर्म में सिमिलर फॉर्म में बना हुआ है किसी तरह के नए मॉडिफिकेशंस इसमें नहीं हो रहे क्लियर आता इसलिए उसको कहा जाता है लिविंग फॉसिल तो लिमुलेस जो है वो लिविंग फॉसिल है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया अब नेक्स्ट। है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एक्वाटिक एनालिड्स हैव द अपेंडजेस फॉर स्विमिंग आर एक्वेटिक एनालिड्स जलीय एनालिडा जिनके अंदर तैरने के लिए जो है वो कौन से अपेंडजेस प्रेजेंट होते हैं तो एक्वाटिक एनालिड्स में आपने नीरीज का नाम सुना होगा रीज जो मूवमेंट करता है या फ्लोटिंग करता है तो वो वाटर सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा तो वो किसके कारण करता है पैरापोडिया के कारण तो एक्वेटिक एनालीडा जो होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं उनके पैरापोडिया जो है वो उनके लोकोमोटरी ऑर्गेंस होंगे करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट होगा समझ आ आएगी अर्थफॉम में सिटी होंगे हाइड्रा वगैरह होते हैं टेंटिकल्स होते हैं ठीक है तो ये एनालीडा की बात कर रहा है तो एनालीडा में सिटी और पैरापोडिया होते हैं सिटी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होंगे और एक्वेटिक होते हैं उनमें पेरापोडिया के थ्रू होते हैं क्लियर और उसके बाद देखें 28 28 में दे रखा है एनिमल्स विच हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूड इन फाइलम जंतुओं में जिनके अंदर सेलुलर लेवल का कोशी के स्तर का शारीरिक संगठन होता हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता हो उनको किस फाइलम में रखेंगे तो इनमें से कौन सा फाइलम होगा उसके लिए करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट जो है उसके सभी मेंबर्स में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखें 28 के बाद 29 29 में मेराइन कोर्डेड एनिमल विच ड इन ओनली लार्वल टेल मेराइन एनिमल हो कोरडेटा हो और उसके साथ साथ तीसरी शर्त क्या है उसकी कि उसमें नोटोकोड जो है वो केवल लार्वल टेल में हो कौन से होते हैं मेराइन एनिमल जिसमें नोटोकोड ओनली लार्वल टेल में प्रेजेंट हो कौन से एनिमल्स होते हैं यूरोकोडेटा अब इनमें आपको यूरो का एग्जाम्पल देखने ब्रेंक्यूस्टोमा यह क्या होता है 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 वो है. का दूसरा नाम है तो ब्रेंक्योस्टोमा तो या एम्फियोस्टोमा ये क्या होता है ये येलोकोडेट है एसिडिया ये इनमें यूरोकोडेट है बेलिनोग्लोसस हेमिकोडेट है और पेट्रोमाइजोन ये क्या होती है है तो ये किसके बारे में पूछ रहा है लार्वल तेल में पाई जाती हो नोटोकोड और उसके साथ-साथ मेराइन एनिमल्स हो तो कौन-कौन से होंगे यूरोकोडेटा और यूरोकोडेटा का एग्जांपल इनमें से सेकंड है एसीडिया क्लियर अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में इसमें दिया हुआ है फिगर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी ऑफ मोलस्क व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस मेंटल कैविटी मोलस्का का स्पेशल कैरेक्टर है कि मोलस्का में विसरल हंप और मेंटल इन दोनों के बीच मेंटल कैविटी होती है और उस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो क्या क्या फंक्शन करते हैं एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एनसीईआरटी की लाइन है कि इनमें पाए जाने वाले मेंटल कैविटी में पाए जाने वाले जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन करते हैं तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन फर्स्ट फंक्शन होगा इसका नेक्स्ट दे रखा है सर्कुलेशन सर्कुलेशन तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का फंक्शन है वो गिल्स का होता है इसमें क्लियर तो गिल्स दोनों काम कर रही है। भी कर रही रही रेस्पिरेशन भी और इसके साथ साथ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फाइलम इकाइनोड्रोमेटा इकाइनोड्रोमेटा संघ के लिए असत्य कथन को चुनिए क्लियर इनकरेक्ट पहला ऑप्शन दे रखा है एनिमल्स एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस जंतुओं में कैल्केरियस ऑसिकल्स या कैल्शियम कार्बोनेट की अस्थिकाओं से बना हुआ अंत कंकाल पाया जाता है करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड है वाटर सिस्टम पाया जाता है जो इनके किस हेल्प करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और उसके साथ साथ ये इनके अंदर फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। तो ये इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम ये भी करेक्ट है थर्ड है वेल डेवलप्ड एक्सक्रीट सिस्टम प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा ये इसमें इनकरेक्ट है एक्सक्रिटरी सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में नहीं होता ये बता रहा है वेल डेवलप्ड एक्सक्रिटिव सिस्टम इट मींस ये रॉन्ग स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा मुक्त प्लावी लार्वा युक्त इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है तो पूछा क्या है इसमें इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कौन सा है थर्ड है थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में इसमें दिया हुआ है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करते हुए करेक्ट आंसर देखना है इसमें कॉलम फर्स्ट क्रिस्टिस क्रिस्टिस कॉमन नेम सोफिश ट्राइगोन कॉमन नेम स्टिंगरे एक्सोसिटस कॉमन नेम फ्लाइंग फिश बेटा कॉमन नेम फाइटिंग फिश क्लियर अब इसके हिसाब से इसमें मैचिंग करवाएंगे तो प्रिस्टिस फोर्थ शोफिस ट्राइगोन, सेकंड स्टिंगरे तो फोर्थ और सेकंड फोर्थ सेकंड आ रहे हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन में तो फोर्थ सेकंड अब उसके बाद आप देखो एग्जोसीटस फर्स्ट फ्लाइंग फिश तो फोर्थ सेकंड के बाद फर्स्ट और उसके बाद थर्ड तो ये चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा बीटा इसके साथ थर्ड आ जाएगा फाइटिंग फिश क्लियर तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका उसके बाद आप देखें थर्टी थ्री थर्टी थ्री में दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर फॉलोइंग एनिमल कौन सा कथन निम्न जंतु के लिए कौन सा कथन एस सकते है इन करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए क्या है अब आप एनिमल को देख के पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा एनिमल है तो ये एनिमल जो है वो वो क्या है 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 और ये है, वो कौन से ग्रुप का का मेंबर साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजोन किसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा में आता है अब आपको साइक्लोस्टोमेटा के अकॉर्डिंग कैरेक्टर को डिफाइन करना है क्लियर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है पहला स्टेटमेंट है ऑफ फॉर रेस्पिरेशन करेक्ट है रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या होता है to 15 होते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी करेक्ट है कि इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बाद है ओसीफाइड या बोनी क्रेनियम एंड वर्टिप्रल कोलम ओसीफाइड का मतलब बोन से बना हुआ क्रेनियम होता है और वर्टिबल कोलम होता है ये इनकरेक्ट है ओसीफाइड होने की बजाय किस तरह का होगा कार्टिलेजिनस होता है ये इनके अंदर जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कार्टिलेजिनस क्रेनियम होगा और कार्टिलेजिनस इसमें वर्टिबल कोलम होगा तो ये इनकरेक्ट है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो बिना जबड़ों के व्रताकार और चूसक मुख होता है तो ये इसमें करेक्ट है तो पूछा क्या इसमें इन करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है तो इसके लिए इन करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा कि या बोनी क्रेनियम एंड कॉलम होगा क्लियर तो थर्ड आंसर करेक्ट हो गया इसका अब इसके बाद आप देखें 34 34 फोर।, फोर में दे रखा है विच ऑफ द इनमें से ओवीपेर जो है वो कौन से होते हैं तो मेमल्स में एक प्रोटोथीरिया होते हैं और एक थीरिया होते हैं ओविपेरस या अंडे देने वाले मेमल्स जो है वो कौन से होते हैं इनमें प्रोटोथिरिया होंगे और प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल होता है, या इसमें या है वो इसका एग्जाम्पल होता है क्लियर यहां तक तो ये आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस मैमल तो इनमें से ओविपेरस मैमल कौन सा है

35 द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स आर आर्थ्रोपोडा के अंदर श्वसन अंग है तो आर्थ्रोपोडा के श्वसन अंग है वो कौन से होंगे इनमें गिल्स क्यूटिकल स्टेटोसिस्ट गलत है मोइस्ट स्किन बुक गिल्स मेंटल ये भी गलत है मेंटल मोलस का का है गिल्स बुक लंग्स एंड ट्रेकिया ये करेक्ट है ट्रेकिया लंग्स लंग्स क्लोइका इसमें नहीं होते तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोड्स में कौन से होंगे थर्ड हो जाएंगे गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रेकिया क्लियर उसके बाद देखें 35 या 36 36 में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन कोक्रोथस डज नॉट लाइन बाय क्यूटिकल कोक्रोज में एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पर इंटरनल लाइनिंग क्यूटिकल से लाइन नहीं होती तो ये मिडगट वाला जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइन नहीं होता फोरगट और हैंडगट इन दोनों के अंदर उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है क्लियर यहाँ तक इसीलिए फोरगट से जो फूड मिडगट में एंटर करता है उस फूड के चारों तरफ जो है वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है उससे कवर करके उस फूड को मिडगट में भेजा जाता है ताकि उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मिडगट को डैमेज नहीं कर सके क्लियर यहां तक तो कौन सा पार्ट होगा जिसपे क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती कौन सा पार्ट है इसमें मिडगट जो है वो ऐसा पार्ट है जो क्यूटिकल से लाइंड नहीं होता है तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें क्लियर उसके बाद थर्टी सेवन थर्टी सेवन में इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉकरोच कॉकरोच के रेफरेंस में कॉकरोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में पहला स्टेटमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो कई ट्रेकिया है इनका ट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो पूरे में बना होता है है। उसके बाद है ओपन थ्रो टेन पेयरिकल्स ट्रेकिया बाहर की तरफ किसके खुलते हैं? किसकेरिकल्स के थ्रू खुलते हैं प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी ये इसमें गलत दे दिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये लेटरल साइड जो है वो बॉडी की लेटरल साइड में ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे तो ये इनमें इनकरेक्ट हो गया ट्रेकिया ओपन थ्रो टेन पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी लेटरल साइड पे होने चाहिए डोरसल साइड कर दिया इसलिए इसके इनकरेक्ट हो गया हेड ट्रेक्यूल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स ये भी करेक्ट है ट्रेक्यूल्स है वो बाहर की एयर को कहाँ तक लेके जाती है बॉडी पार्ट्स तक जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स तक ट्रेक्यूल लेके जाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ट्रेक्यूल्स बाई डिफ्यूजन ये भी करेक्ट है डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो क्या कर सकती है ट्रेक्यूल्स जो है वो अपने एंड पर ट्रेक्यूल्स का एंड जो है वो कहाँ जाता है टिश्यू तक जाता है और टिश्यू तक जाने के बाद जो है वो ये क्या करती है यहाँ डायरेक्ट जो है वो टू सीओ टू को डिफ्यूज करती है क्लियर यहां तक तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ गैसे डायरेक्ट ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो गैसों का एक्सचेंज कर लेते हैं ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है पूछा क्या है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताओगे सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्यों इनकरेक्ट है क्योंकि डोर्सल साइड ऑफ बॉडी दे रखा है स्पैरगल के जबकि स्पाइरेकल की लोकेशन कहाँ होती है बॉडी की लेटरल साइड में होती है तो इनकरेक्ट हो गया क्लियर उसके बाद 38, 38 में एक्सक्रीशन इन सेक्रोच परफॉर्मड बाय ए ट्यूब्यूल्स ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड बी सेल्स इसमें एक्सक्रीशन इन कॉकरोच परफॉर्मड बाय कॉक्रोच में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक ही जगह क्या आ जाएगा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा तो ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स और उसमें आगे क्या दे रखा ट्यूब्यूल ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स ग्लैंडुलर के साथ साथ कैसी सेल्स होती हैं ग्लैंडुलर्स के साथ साथ सीलिएटेड या पक्षमाभी कोशिकाएं है होती हैं तो करेक्ट आंसर ए और बी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ब्लैंक स्पेस बढ़ने हैं तो ए में क्या आना चाहिए मेलपीजियन और बी में क्या आना चाहिए सिलियेटेड तो ए मेलपीजियन और बी में सिलिएटेड थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मेलपीजियन और बी क्या हो जाएगा सिलिएटेड क्लियर उसके बाद आप देखें थर्टी नाइन थर्टी नाइन में थर्टी नाइन में देखिए आप कंपाउंड आइज इन कोक्रोज लोकेटेड ऑन

फर्स्ट होगा डोरसल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर्टी द पल्सेशन ऑफ हार्टीन कॉकरोच परोच में जो हार्ट की पल्सेशन होती है हार्ट स्पंदन जो होता है हृदय स्पंदन वो कौन सी मसल्स के कारण होता है क्या कौन सी मसल्स करवाएंगे कार्डियक मसल्स रेडियल मसल्स एलोरी मसल्स क्या होती है उनमें तो इनमें रेडियल स्केलेटल मसल्स मसल्स, एलरी मसल्स होती है. में, होंगे आपको, 13 होता है और हर चेंबर पर एलरी मसल्स कनेक्ट होती है वो एलरी मसल्स इनमें कंटिन्यू पल्सेशन कराती हैं हार्ट इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा एलरी मसल्स क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फोर्टी वन में दे रखा है व्हाट इज करेक्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो यहां आपको ध्यान रखें कौन सा देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कॉकरोच आर मोनोसियस कॉकरोच मोनोसियस का मतलब ड्रीलिंग जिसमें टेस्टिस ओवरी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो पॉसिबल है क्या कोक्रोज में सेक्सेस सेपरेट होते हैं मेल अलग होगा फीमेल अलग होंगे तो यूनिसेक्सुअल होगा कि क्या दे रखा है मोनोसेक्स का मतलब बाइसेक्सुअल हो गया द्विलिंगी तो ये इनमें इनकरेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है एग्जेकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड डोर्सल टू एनस क्या दे रखा है

इट मीन्स ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है द स्पम्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर फोर स्पम कहाँ स्टोर हो रहे हैं स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं इसके साथ साथ जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा इन सारे स्पम्स को चिपका देगा और उसके बाद वो सारे स्पम्स एक दूसरे के साथ चिपक के क्या बनाते हैं स्पर्मेटोफोर बनाते हैं तो ग्लूड टूगेदर इन फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर ये करेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट में है थ्री पेयर्स एसिमेट्रिकल मेल फेलोमियर्स सराउंड द मेल गोनोपोर थ्री पेयर नहीं होते ओनली थ्री होते हैं ये पेयर लगा दिया ये गलत है ओनली थ्री एसिमेट्रिकल मेल फेलोमियर होंगे जो मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं इट मीनस ये भी इनकरेक्ट है पूछा क्या है करेक्ट पूछा है व्हाट इज करेक्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच तो करेक्ट कौन सा इनमें से थर्ड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है बाकी सारे इनकरेक्ट है क्लियर आंसर हो जाएगा थर्ड उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग निम्फल स्टेज ऑफ कॉकरोच हैज विंग पैड्स कॉकरोच की कौन सी निम्फ अवस्था में पक्ष तल्प या विंग पैड्स बन जाते हैं ध्यान तो होगा आपको थर्टीन टाइम मोल्टिंग होती है और उसकी कौन सी स्टेज में एनसीआरटी में एक साफ लाइन दे रखी है नेक्स्ट टू लास्ट में लाइन दे रखी है नेक्स्ट टू लास्ट मोल्टिंग या नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज विंग पेड्स डेवलप्ड इन कॉक्रोच तो निम्फ के अंदर लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले वाली जो निम्फल स्टेज होती है ट्वेल्थ मोल्टिंग में उसके बाद की जो निम्फल स्टेज है ट्वेल्थ मोल्टिंग वाले ट्वेल्थ स्टेज है निम्फल स्टेज उसमें विंग पैड्स डेवलप हो जाते हैं और उन विंग पैड्स से जस्ट अगला जो मोल्टिंग होगी उसके बाद उन विंग पैड से विंग्स डेवलप हो जाते हैं जिससे वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लियर यहाँ तक तो कौन सी निम्फल स्टेज होगी विच ऑफ द फॉलोइंग निम्फल स्टेज ऑफ हैज विंग पैड कौन सी में होगी स्टेज में जो है वो विंग पैड्स डेवलप हो जाते हैं और थर्टीनथ स्टेज में इसमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं क्लियर यहां तक तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ट्वेल्थ स्टेज आ जाएगी तो ये इनमें करेक्ट आंसर हो गया उसके बाद आप देखें थर्ट फोर्टी थ्री में हाउ मेनी हाँ सेगमेंटल गेंगलियन आर प्रेजेंट इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम कॉकरोज के नर्वस सिस्टम में सेगमेंटल गैंगलियन है वो कितने होते हैं तो सेगमेंटल गैंगलियन है वो कितने होंगे नाइन होंगे जिनमें थ्री थोरेसिक होंगे और सिक्स एब्डोमिनल होंगे क्लियर यहाँ तक तो इनमें थ्री थोरेसिक एंड सिक्स एब्डोमिनल होंगे तो ये इनके अंदर जो है वो उसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा थ्री थोरेसिक एंड सिक्स एब्डोमिनल तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गए अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फोर्टी फोर फोर्टी फोर में आप देखें फोर्टी फोर में विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू कॉकरोच इनमें से कौन कौन से फीचर है वो कॉकरोच से रिलेट है पहला ओमनीबोरस करेक्ट है सब कुछ खाता है सरवार मोजेक विजन ये भी करेक्ट है मोनोसियस ये नहीं होता कैसा होता है डाइसियस है यूनिसेक्सल है ना एक लिंगी तो डाइसियस होता है ये इनकरेक्ट होगा इस परमेटोफोर बनती है इसमें यह भी करेक्ट है तो ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू कॉकरोच कॉकरोच से रिलेटेड कौन कौन से हैं ए रिलेटेड है बी रिलेटेड है, है और डी रिलेटेड है तो ए बी एंड डी जो है वो इससे रिलेटेड हो गए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ए बी डी उसके बाद देखें 45, 45 फाइव में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स मसल फाइबर्स आर सेंसी मसल फाइबर्स आर सेंसीम का मतलब होता है मल्टी मल्टीन्यूक्टेड मसल फाइबर आर सेंशियम एज द्लाज्म हैं उनके मसल फाइबर है वो सेंशियम या मल्टी न्यूक्टेड मसल फाइबर होते हैं क्लियर आरोप करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आ जाएगा थर्ड ऑप्शन तो ये इसमें थर्ड हो गया उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है इसमें दिया हुआ था लाइट बैंड इन स्केलेटल मसल कंटेन ए फिलामेंट। दो तरह के बैंड होते हैं स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स में आपको ध्यान है दो तरह के बैंड होंगे ये जैसे मान लो ए बैंड हो गए ये ए बैंड है और उसकी दोनों साइड जो है वो आई बैंड होते हैं तो ए बैंड और आई बैंड हो गए अब इनमें क्या पूछा है लाइट बैंड द लाइट इन स्केलेटल मसल कंटेन तो लाइट बैंड जो है उसके अंदर कौन से फिलामेंट होंगे कंटेन ए फिलामेंट तो लाइट बैंड होता है आई बैंड आई बैंड में कौन से फिलामेंट होते हैं एक्टीन फिलामेंट तो आई बैंड के अंदर जो है वो फिलामेंट कौन से होंगे एक्टीन फिलामेंट एंड इज कोल्ड बी बैंड क्या कहेंगे आई बैंड का पूरा नाम क्या होता है आइसोट्रोपिक बैंड तो ये

एपिथिलियम तो ये ब्रेस्ट बोर्डेड कोलमर एपिथिलियम होगी इसमें और ब्रेस्ट बोर्डेड एप कोलमर एपिथिलियम का काम क्या होता है एब्जॉर्व सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ये उसमें एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज करने के लिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किया जा सके इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा ब्रशबोर्डर्ड कोलमर एपिथिलियम होती है क्यों क्योंकि इसकी सरफेस पर जो माइक्रोविलई है वो क्या कर रही है वो इनके अंदर जो है वो एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं क्लियर आ तक तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखें 48 48 में दिया हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिया ऑन फ्री सरफेस ऑफ सिलड एपीथिलियम सीलिएटेड एपिथिलियम में सेल्स की फ्री सरफेस पे जो सीलिया होंगे वो क्या काम करते हैं म्यूकस को और कुछ पार्टिकल्स जो वहां से पास हो रहे होते हैं जैसे कि मान लो सिलियेटेड एपिथिलियम है

क्या रहेगा सीलिया ऑन फ्री सरफेस ऑफ सीलिएटेड एपीथिलियम एब्जॉर्ब ऑफ सब्सटेंसेस गलत हैं ये काम किसका होता है माइक्रोविलाईगा मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथिलियम ये करेक्ट है प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन लाइन विद एपिथिलियम इसमें इसका कोई रोल नहीं होता सीलिया का इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एपिथिलियम ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा ये पार्टिकल्स को और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं क्लियर यहां तक करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 49 इसमें आप देखें 49 में दे रखा है करेक्टली आइडेंटिफाई द टिश्यू एंड इट्स लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी ये टिश्यू कौन सा है और ह्यूमन बॉडी में इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है इसमें आप देख रहे हो सेल की सेप के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो की सेप के बेस पर जो है वो किस टाइप का होगा ये की सेप के अकॉर्डिंग जो है वो कॉलमनर एपिथिलियम है और कॉलमनर एपिथिलियम में भी इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है प्रेजेंट है तो सिलियटेड कॉलमनर एपिथीलियम हो गई सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम तो सिंपल सिलियटेड कोलमनर एपिथीलियम काम प्रेजेंट होती है सिंपल हो उसके साथ साथ कॉलमनर सिलियेटेड एपिथिलियम ये कहां प्रेजेंट होती है फेलोपियन ट्यूब में तो ये टेड कोलमर एपिथिलियम है जो कहां होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर यहां तक सेकेंड ऑप्शन है आप देख रहे हो ब्रुश ब्रुश ब्रुसबोर्डर का मतलब होता है माइक्रोविलाई होना जबकि इस पे क्या है फ्री सरफेस पे सीलिया क्यूबोइडल क्यूबोइडलियम कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन सिलियेड क्यूबोइडल नहीं है क्यूबोडल नहीं है सीलिया प्रेजेंट है क्लियर okay. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका उसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है विच वन ऑफ द सेल जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू इन एनिमल्स एनिमल्स में टिश्यू में से पदार्थों के रिसाव को रोकने वाली कोशिका संधि जो है वो कौन सी होती है इनमें से ये टाइट जंक्शन जो होते हैं वो इनमें पदार्थों के रिसाव को रोक सकती हैं क्लियर है आपको तो ये गैप जंक्शन 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 टाइट तो इनके अंदर ह्यूमन इसमें एनिमल्स में अगर देखें तो ये तीन तरह के जंक्शन है और टाइट जंक्शन जो होता है वो सेल को आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक या अटैच रखता है और उसके कारण जो है वो इनमें से होने वाले टिश्यू फ्लूड का रिसाव जो है वो उसको रोक देता है क्लियर यहाँ तक करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर क्वेश्चन फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू एग्जर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस किसी भी बदलती हुई परिस्थिति में एक पर्टिकुलर जो है वो किसी भी अनुक्रिया का नियंत्रण करने के लिए कौन सा टिश्यू जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन सा टिश्यू होता है इम्पल्स कंडक्शन करना बॉडी के अंदर किसी भी तरह के स्टिमुलस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करवाना वो सारा का सारा जो है वो कौन से टिश्यू के थ्रू होता है नर्वस टिश्यू के थ्रू तो इनमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू न्यूरल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ न्यूरल टिश्यू क्लियर उसके बाद नेक्स्ट फिफ्टी वन फिफ्टी वन में इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी statements? फिफ्टी टू फिफ्टी टू में आप देखें हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरा टीनोफोरा के कैरेक्टर के लिए कितने जो है वो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? है तो इसके हिसाब से जो है वो आपको देखना है दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल, करेक्ट है डिप्लोब्लास्टिक भी और रेडियली सिमेट्रिकल भी है पहला स्टेटमेंट करेक्ट द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल सिलियेटेड कॉम्प्लेट्स शरीर पर बाहर की तरफ जो है वो आठ सिलियेटेड कॉम्प्लेट्स या पक्षमा भी कंगक पट्टियाँ पाई जाती हैं ये भी करेक्ट है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन भी करता है ये भी करेक्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है इनमें और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी वहां sexes, एक में दोनों मेल फीमेल दोनों हो होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये इनकरेक्ट है इंटरनल नहीं होता जो है वो कैसा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो ये भी इनकरेक्ट है पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने इसके ए बी और सी तीन स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए करेक्ट है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद देखें 53, 53 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू फाइलम एंड इट्स कैरेक्टर फाइलम और उसके कैरेक्टर के लिए जो है वो इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है टीनोफोरा बायोल्युमिशंस सही है टीनोफोरा के अंदर की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है एसकेलमिंथिस यूसिलोमेट यह गलत है कैसा होता है एसकेलमिंथिस होते हैं शुडोसिलोमेट एसकेलमिंथिस शुडोसिलोमेट होते हैं जिसमें वास्तविक देगुआ नहीं होती मॉलस का मेंटल ओवर द विसरल अम्प करेक्ट है एकाइनोड्रेटा वाटर वर्स्कुलर सिस्टम ये भी करेक्ट है इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट मैच जो है वो किसका रह जाएगा एसकेलमिंथिस में इनकरेक्ट मैच होगा जिसके अंदर क्या होगा यू सिलोमेट की बजाय जो है वो शुडोसिलोमेट होती है क्लियर तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो गया फिफ्टी फोर में फिफ्टी फोर में मैचिंग है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड कार्केरोडोन कार्केरोडोन का सामान्य नाम ग्रेट वाइट सार्क हाइला हाइला होता है ट्री फ्रोकियोन ट्री लिजार्ड होती है और स्ट्रूथियो स्ट्रूथियो जो है वो ऑस्ट्रिच होता है क्लियर तो उसके हिसाब से जो है वो आप देखें कारकेरोडोन ग्रेट वाइट सार्क फोर्थ फिर थ्री फोर थ्री फोर थ्री और उसके बाद कैमिलियन कैमिलियन में सेकंड फोर थ्री सेकंड फर्स्ट चौथा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा फोर थ्री सेकंड फर्स्ट तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्लियर उसके बाद आप देखें 55 फाइव में दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल विच हैव थ्री चैम्बर डाइट तो थ्री चैम्बर डाइट जो है वो कौन कौन से एनिमल्स में होगा एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल एलिगेटर में फोर चैम्बर होते हैं बाकी सब में थ्री चैम्बर डायट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा एम्फीबिया और रेप्टिलिया के एग्जाम्पल जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं इसमें देखिए आप राना थ्री चैम्बर डाइट होता है एक्ओफिस ये भी एम है थ्री चैम्बर डट है ये एक्जो है इसमें नहीं होगा क्योंकि ये क्या होती है फिश है टू चैम्बर डर्ट है सेलामेंडर एम है इसमें थ्री चैम्बर क्रोकोडिलस में नहीं होगा इसमें क्योंकि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में फोर चैम्बर डर्ट है कोलंबा कोलंबा क्या होता है कोलंबा पीजन है कबूतर एवीज है फोर चैम्बर डट होगा टेरोपस इसमें भी नहीं होगा ये मेमेलिया है और हाइला जो है वो एम्फीबिया है तो केवल इसमें होगा सेलामेंडर कैलोटिस किलोन सेलामेंडर जो है वो एम्फीबिया है कैलोटिस और किलोन ये दोनों जो है वो रेप्टीलिया है तो इनके अंदर चौथा ऑप्शन जो है इनमें तीनों के अंदर रेप्टीलिया और एम्फीबिया में थ्री चैम्बर डेट होगा तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका उसके बाद आप देखें 56, 56 में ये 53 है है 55 उसके बाद आप देखें 56 56 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गेन परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन फ्रॉग ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के समय जो है वो फ्रोग में गैसों का विनिमय या गैस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है गिल्स स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसका स्किन होगा हाइबरनेशन और निष्क्रियता के समय जो है वो फ्रॉग केवल स्किन के, के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करता है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रोक मैंडक के एक्सरेट सिस्टम के लिए इन करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेटमेंट वन पेयर बीन सेप्ट किडनी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ वल्टीपल कॉलम करेक्ट है मल्टीपल कॉलम की दोनों साइड में एक पेयर जो है वो बीन सेप्ट किडनी होगी ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कोल्ड नेफ्रॉन्स ये भी करेक्ट है नेफ्रॉन्स के कई तरह की जो है वो इसमें कई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है जिनको क्या कहेंगे नेफ्रॉन्स कहेंगे इन फीमेल फ्रोग यूरेटर ओपन इन टू क्लोयका एज ए कॉमन डक्ट ये गलत है ये फीमेल फ्रोग में नहीं होकर मेल फ्रोग के अंदर होता है कि जिनमें यूरेटर जो है वो यूरिनोजिनाइट्रल डक्ट के रूप में क्लोइका में ओपन होती है द फ्रोग एक्सक्रीट यूरिया एज नाइट्रोजिनस वेस्ट ये भी करेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो क्या जाएगा थर्ड हो जाएगा क्यों क्योंकि मेल के अंदर यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट का काम करती है फीमेल में यूरेटर अलग होगी जेनिटल डक्ट अलग होगी कोविडक्ट अलग खुलेगी और जो उसमें यूरेटर है वो अलग है प्रेशर के थ्रू तो खुलेगी क्लियर है तक थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया उसके बाद आप देखें 58 58 में दिया हुआ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एक्सेप्ट सारे एपिथेलियल

सपोर्ट प्रोवाइड करना और मोमेंट में हेल्प करना ये कौन से टिश्यू का फंक्शन है ये बोन्स या मसल्स कर सकती हैं क्लियर तो ये इनमें इसका फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं है इसके अलावा बाकी तीनों एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है तो कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा इसका उसके बाद आप देखें फिफ्टी नाइन फिफ्टी में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेल्स सीक्रीट फाइबर एंड फाइबर और इलास्टीन जो फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड और इलास्टिन इनको सीक्रेट कर रही हैं सेल्स सिक्रीट मॉडिफाइड पोलिसकेराइड विच फॉर्म ग्राउंड सब्सटेंस ये भी करेक्ट है सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलाइवरिंगलैंड सेल इन्जस्ट द सेल्ड एब्रीस फॉर इन मैटर

वो फाइब्रोब्लास्ट के होंगे इसमें से दो फंक्शन ए और बी ये दोनों फाइब्रोब्लास्ट के फंक्शन होंगे क्लियर तक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा उसके बाद आप देखें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 60 में इसमें दिया फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के रेफरेंस में करेक्ट को छांटना आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट ये सेल्स ऑफ एपिथिलियल टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स करेक्ट है कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और लिटिल इंटरसेल्युलर या छोटे अंतर्कोशी के अवकाश के द्वारा जुड़ी होती है अंतरकोशिक यादात्री द्वारा जुड़ी रहती है माइक्रोविलाईन फ्री सरफेस डिक्रीज एब्जॉर्व सर्फेस एरिया ऑफ टिश्यू ये इनकरेक्ट है इनक्रीज करती है एब्जॉर्टिव सरफेस एरिया को मेजोरिटी ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी आर यूनिसेलुलर जो होती है ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर यूनिसेलुलर होती है ये गलत है मोस्टली कैसी होती है मल्टी सेलुलर होती है स्टेटिफाइड क्यूबोर्डल एपिथिलियम इज फाउंड इन डिस्टल कॉन्वल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स ये भी गलत है स्टेटिफाइड क्यूबोडल एपिथिलियम नहीं होके सिंपल क्यूबोडल एपिथिलियम जो है वो पीसीटी में और डीसीटी में प्रेजेंट होती है तो करेक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए करेक्ट हो गया बाकी तीनों इसके इनकरेक्ट है पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट तो क्या आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ लंग्स एंड आर इनवॉल्वड इन ए फंक्शन लाइक डिफ्यूजन इज कौन सा टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू जो ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट हो और लंग्स की एल्वेला या उसके एयर सेक्स में प्रेजेंट होता है डिफ्यूजन का फंक्शन करता हो तो कौन सा एपिथिलियम होता है होता है जिसकी जो होती है, वो क्या करवा सकती है इसका फर्स्ट हो जाएगा स्क्मस एपिथिलियम क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द टाइप ऑफ टिश्यू विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड

को जो है वो उसके नीचे के उत्तक के साथ जो जोड़ रहा है टिश्यू के साथ जोड़ रहा है वो इनमें कौन सा टिश्यू होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तो पैकेजिंग का जो काम कर रहा है इनमें वो कौन सा करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पैकेजिंग का काम करेगा तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ सेल्स बट दे ऑल शेयर कनेक्टिव टिशू इन वेराइटी की सेल्स कनेक्टिव टिश्य प्रेजेंट होती है मैक्रोफेज है, है, और mast cells, ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की कई तरह की सेल्स हैं इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ सेल्स बट दे ओल सेयर स्कोम सेप सारी स्कोम सेप में नहीं होती एबिलिटी टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने का काम इनका नहीं होता क्लियर वो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है तो ये नहीं होगी कॉन्ट्रेक्टाइल ये मसल सेल की फंक्शन है तो ये मसल फाइबर या मसल सेल्स का फंक्शन है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये करेक्ट है इनमें कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी सेल्स होंगी वो सेल्स एक इंटर सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो इसके अंदर बीच बीच में ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होगी तो वो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो सेल्स में प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू बोन इसमें इनकरेक्ट मैच देखना है किसके रेफरेंस में बोन के रेफरेंस में जो है वो इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है तो आपको इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है विद रेफरेंस टू बोन्स लेक्यूनी स्पेस इन विच बोन सेल्स आर प्रेजेंट ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स या बोन सेल्स जिसमें प्रेजेंट होंगी वो ब्लैंक स्पेस उसी को क्या कहेंगे लेक्यूनी नहीं तो करेक्ट है ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स ये भी करेक्ट है बोन्स फॉर्मेशन करने वाली सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट हो और लेमिली बोन मैट्रिक्स इज ऑर्गेनाइज इन टू मैनी लेयर्स ये जैसे हेवरसिन कैनाल है हेवरसिन कैनाल के चारों तरफ जो है वो बोन मैट्रिक्स है वो कैसे होंगी चारों तरफ जो है वो इस टाइप से इस तरीके से जो है वो इसमें अरेंज होंगी तो ये इनमें लेमिली बनाएंगे तो बोन मैट्रिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी लेयर्स कई लेयर्स में अरेंज होंगे उसके बाद मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम साल्ट बट विदाउट कोलेजन फाइबर्स ये इसमें इनकरेक्ट मैच हो गया विदाउट कोलेजन फाइबर नहीं होता क्या होंगे मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होंगे और उसके साथ साथ कैल्शियम साल्ट होंगे कैल्शियम साल्ट क्या कर रहा है हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है और इसमें कॉलिजन फाइबर है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं तो बोन्स के अंदर कॉलिजन फाइबर्स भी होंगे और उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम साल्ट भी प्रेजेंट होंगे तो दोनों प्रेजेंट होंगे इसलिए ये इसमें इनकरेक्ट मैच हो गया बाकी सारे करेक्ट है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव में आप देखें

लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ये ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है डेंस में भी टू टाइप होंगे रेगुलर इरेगुलर ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें पूछ क्या रहा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू एग्जांपल ऑफ गिवन टिश्यू मींस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू किसमें प्रेजेंट नहीं है Choose the incorrect option. Incorrect option पूछ रहा है चूज द ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है तो regular tissue का example कौन सा नहीं होगा दोनों है, है स्किन की डर्मिस में जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रेगुलर नहीं होके इनरेगुलर डेंस होता है इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर और इसमें अगर ये पूछता करेक्ट ऑप्शन इसके लिए तो एंड लिगामेंट्स यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका पूछ क्या रहा है ये इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इसके लिए। कौन सा हो जाएगा डर्मिस ऑफ स्किन तो थर्ड आंसर करेक्ट हो गया उसके बाद देखें 66 66 में इसमें दिया हुआ ऑफ द फॉलोइंग लेवल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मैक्रोफेज इन द गिवन डायग्राम इस डायग्राम में जो है वो मैक्रोफेज सेल जो है वो कौन सी है तो इनमें से कौन सी सेल मैक्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये आप देख रहे हो सी मैक्रोफेज है डी सेल है। ये मैक्रोफेज ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये इसके सेल्सोजन फाइबर और ए जो है वो मास्ट सेल है ये मास्ट सेल ये मैक्रोफेज सेल ये डी जो है वो मैक्रोफेज सेल होगी सी फाइब्रोब्लास्ट सेल है सी फाइब्रोब्लास्ट और डी ये बी जो है वो इसमें फाइबर फाइब्रोब्लास्ट फाइबर है, Clear? तो करेक्ट क्या होगा इनमें लेबल्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मैक्रोफेज इन द गिवन डायग्राम तो मैक्रोफेज से कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है डी जो है वो मैक्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 67, 67 में दिया हुआ। रीड द बेसिस द गिवन डायग्राम पहले आपको क्या करना है ये स्टेटमेंट देखने हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन डायग्राम्स क्लियर इनमें आपको ये देखने हैं कि ये कौन कौन से इनमें से किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो है वो हार्ड एंड नॉन प्लाइबल हो दूसरा रिच इन कॉलिजन फाइबर्स एंड कैल्शियम साल्ट इट मींस समझ में आ रहा होगा आपके बोन्स के बारे में बात हो रही है मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम या संरचनात्मक ढांचा प्रदान कर रही है ऐसी जो है वो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है तो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है ये बोन के बारे में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो किसके हैं बोन्स के हैं बोन है? इनमें से बोन कौन सी है ये कार्टिलेज है ये कार्टिलेज है और सेकंड जो है वो इसमें ये बोन है ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें किसकी बात कर रहा है ये? बोन्स की बात कर रहा है? है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एट सिक्सटी एट में आप देखें इसमें दिया हुआ है क्यूबोइडल ियम और क्यूबोइडल एपिथिलियम की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो क्यूबोडल एपीथिलियम की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई जो एब्जॉर्व सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है वो कहां प्रेजेंट होती है नेफ्रोन की पीसीटी में तो नेफ्रोन की पीसीटी है वहां से आपको ध्यान होगा एक्टिव पैसिव रीअबॉर्ब्शन होता है तो फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस का वापस रीऑब्जॉर्ब करने के लिए सेवेंटी टू एट्टी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट वाटर

वहां जो एपिथेलियम है वो किस टाइप की होती है वहां कॉलमनर एपिथेलियम होती है क्यूबॉइडल नहीं होती आ समझ आ गई क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई तो कहां होगी पीसीटी में कॉलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई ये कहां होगी ये इनमें इंटेस्टाइन होगी क्लियर करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 69 69 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर कौन सी कोशिका संधि दो कोशिकाओं को पड़ोसी कोशिकाओं को या आसन्न कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है तो दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम जो है वो कौन सी संधि करेगी एडहेरिंग जंक्शन या आसंजी संधि क्लियर इसका काम दो एडजेसेंट सेल्स होती हैं पास पास जो स्थित कोशिकाएं हैं उनको आपस में जोड़ना होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर सेवनटी ऑल ऑफ द द फॉलोइंग आर करेक्ट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइनिंग ऑफ एल्विलाई एक्सेप्ट अब इसमें आप देखिए सबसे पहले आपको टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइनिंग ऑफ एल्विलाई इट एलवीन्स एल्वियोलाई की लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वेमस तो सबसे पहले टिश्यू की पहचान हो गई सिंपल एपिथेलियम होगा तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अब इनमें आप देखिए इसके बारे में आपको फीचर ऑफ लाइनिंग ऑफ एल्वलई यानी सिंपल स्क्म हो गया एक्सेप्ट कौन सा कैरेक्टर इसमें इसका नहीं होगा सिंपल एपिथेलियम का ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स विद इेगुलर बाउंड्रीज ये करेक्ट है क्लियर ये पूछा एक्सेप्ट किसको छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर जो है वो इस सिंपल एपिथेलियम के हैं सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ये भी करेक्ट है सेल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स से जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है सेल्स हैव अबेंट ब्लड सप्लाई एंड वस्कुलर ये इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि एपिथीलियल टिश्यू जो है वो नॉन वस्कुलर होता है एपिथिलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती जबकि एल्वल आई को जो कवर कर रहे हैं वो लाइनिंग किसकी है सिंपल उस फेमस एपिथिलियम की तो एपिथीलियम है वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इनकरेक्ट हो गया लाइनिंग सेल्स ऑफ एलवी रेस्ट ऑन ए नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्रेन ये भी करेक्ट है होती है एपिथिलियल टिश्यू जो है वो हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होता है, छोड़कर एक ट्रांजिशनल एपिथिलियम को क्लियर ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसका एक्सेप्शन है एक ही टिश्यू ट्रांजिशनल एपिथिलियम ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का के जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच नहीं होके डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू पर अटैच होते हैं क्लियर तो इसमें इनकरेक्ट यानी

तो ऐसा टिश्यू कौन सा है टेंडन लिगामेंट नहीं होंगे ब्लड एंड लिम्फ ये भी नहीं होगा तो ये इनमें तो इसमें आप देखें टेंडन लिगामेंट ये नहीं है ब्लड लिम्फ भी नहीं हो सकता एडिपोज एरियोलर टिश्यू ये भी नहीं है समझ गए इसके बाद बोन और कार्टिलेज ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये बॉडी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बाहर से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी थ्री द पैकिंग सेल्स अराउंड द इन न्यूरल टिश्यू आर कोल्ड न्यूरल टिश्यू में जो है वो की के चारों तरफ की जो पैकिंग बना रही है वो कौन सी सेल्स होती है न्यूरोस के चारों तरफ उसकी पैकिंग बना रही है बीच बीच में उनको सपोर्ट कर रही है ऐसी सेल्स क्या होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स जिनमें एस्ट्रोसाइट्स ऑलिगोडेंडोसाइड्स माइक्रोग्लियल सेल्स ये सारी की सारी सेल्स है वो क्या होती हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं और ये न्यूरोग्लियल सेल्स है वो इसकी पैकेजिंग का काम करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड क्लियर तो ये इसमें जो है वो करेक्ट आंसर न्यूरोग्लियल सेल्स उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इंटरकैलेटेड डिस्क एंड क्रॉस कनेक्शंस आर कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क या क्रॉस कनेक्शन जो है वो किसमें होता है ये इस टाइप की इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो इनके अंदर ये इनके बीच बीच के क्रॉस कनेक्शन होंगे यानी ब्रांसड फाइबर होते हैं ये तो इस टाइप से जो है वो इनके बीच बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क का होना क्रॉस कनेक्शन होना ये डार्क अपियरेंस

ब्रांच के बीच बीच में जो है वो क्या है इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट है करेक्ट आंसर फर्स्ट क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव देर इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनाटोमी ऑफ मसल फाइबर सोइंग सार्कोमी विद लेबलिंग ऑफ ए बी सी डी एंड ई आईडेंटिफाई ये आपको लेबलिंग जो है वो इसमें देखनी है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी क्या है सी क्या है तो आप देखिए ए जो है वो क्या है इसमें ए है इसका ए बैंड हो गया बी ये ए बैंड के बीच में जो एक लाइट जोन होता है वो एच जोन बी एच जोन हो गया सी ये सार्कोमियर सी जो है वो इसमें सार्कोमियर हो गया उसके बाद डी जेड लाइन है जेड लाइन क्या करती है दो आई बैंड जो आई बैंड होते हैं उनको बाई करती है दो आइडेंटिकल पार्ट में दो इक्वल पार्ट में तो ये डी जेड लाइन है और ई e जो है वो इसमें क्या है आई बैंड है क्लियर तक तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा ए ए बैंड हो गया इसमें दे रखा है और बी बी इसमें दे रखा है सार्कोमियर क्या होता है एच जोन तो बी एच जोन है बी एच जोन सी सार्कोमियर ये भी सही है डी जेड लाइन है सही है और ई आई बैंड है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड क्लियर तो ये लेबलिंग है डायरेक्ट आपको लेबलिंग के अकॉर्डिंग देखना है उसके बाद आप देखिए इसमें है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ए बी सी इन गिवन फिगर्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन इसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है बी क्या है और सी क्या है तो ए में आप देख रहे हो एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो है एनसीआरटी के डायग्राम है तीनों एनसीआरटी के डायग्राम है तीनों ए है यूनिसेलुलर ग्लैंड ए यूनिसेलुलर ग्लैंड है और बी क्या है इसमें ये एक मल्टी ग्लैंड है बी मल्टीसेलुलर ग्लैंड होगी तो बी मल्टी सेलुलर ग्लैंड और सी जो है वो इसमें क्या होगा कंपाउंड एपिथिलियम है तो सी इसका कंपाउंड एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम का मतलब ही क्या होता है मल्टीलेयर्ड सी कंपाउंड एपिथीलियम है कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है मल्टीलेयर्ड होता है एक टिश्यू तो ए यूनिसेलुलर ग्लैंड बी मल्टीसेलुलर ग्लैंड सी मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम फैला ही सही हो जाएगा सेकेंड में आप देखो तो मल्टी ग्लैंड दे रखा गलत है ए गोबलेट सेल गोबलेट ग्लैंड बी मल्टी सेलुलर ग्लैंड एपिथेलियम ये गलत है सी कॉलमनर नहीं ओके कंपाउंड एपिथेलियम एपिथिलियम क्लियर यहां तक तो ये इनमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 सेवन सेवन में दिया हुआ बीडर्स कैनाल ऑफ ए फ्रॉग इज फ्रॉग के अंदर बीडर केनाल होती है और बीडर केनाल जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगी वो क्या काम करती हैं तो बीडर केनाल जो किडनी में प्रेजेंट है वहाँ सबसे पहले आके उसमें टेस्टिस से वास डिफ्रेंस आके इसमें जो है वो ओपन होती हैं बीडर केनाल में और बीडर कैनाल वहाँ से आगे जो है वो यूरिन का और स्पर्म का दोनों का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये बीडर्स केनाल ऑफ ए फ्रोक इज़ टू ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड गेमिट्स इन मेल फ्रोक मेल फ्रोक के अंदर ही प्रेजेंट होंगी फीमेल फ्रोक में बीडर कैनाल नहीं होती क्लियर आ तक तो बीडर कैनाल है वो मेल फ्रोक के अंदर होगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी टेस्टिस के किडनी के अंदर की तरफ जो क्या करती हैं जहाँ सबसे पहले जो है वो टेस्टिस से आने वाली डक्ट है वो स्पर्म को रिलीज करती हैं और उसके बाद वहाँ से स्पर्म और यूरिन जो है उनका ट्रांसपोर्ट होता है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा बीडर्स कैनाल ऑफ ए फ्रोग इज टू ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड गैमिट्स इन मेल फ्रोक करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट उसके बाद आप देखें 78, 78 सेवेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन टू कनेक्ट द एडजेसेंट स्क्लेराइट ऑफ एबडोमिन एंड थोरेक्स कॉकरोच में थोरेक्स और एबडोमिन के अंदर तो स्क्लेराइट्स होते हैं स्क्लेराइट्स जिनमें ध्यान आपको टर्गाइट क्लोराइट और स्टर्नाइट तो इनके टर्गाइट एक दूसरे के साथ क्लोराइट स्क्लेराइट स्टर्नाइट yes, वो सारे एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते हैं वो किसके कारण होते हैं वो इनके अंदर जो है वो आर्थ्रोडियल आर्थरोल या संधिकारी झिल्ली के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा इसका आर्थ्रोडियल मेंब्रेन के थ्रू ये येट आपस में कनेक्ट होते हैं उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फीमेल कॉकरोच इनमें से कौन सा पार्ट है वो फीमेल कॉकरोच का पार्ट है तो सबसे पहले आप देखें फेलिक ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है मेल में फेलिक ग्लैंड है वो मेल में प्रेजेंट होगी यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड है वो भी होती होती है में. ये होती है मेल में 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 ये फीमेल फीमेल की होंगी जो क्या काम करती है मेल सबसे पहले अपने स्पर्मेटोफोर को जो रिलीज करता है वो किसमें करता है इसी फीमेल के अंदर जो है वो स्परमेथिका में रिलीज करता है और वो स्परमेथिका उनको रिसीव करती है तो ये फीमेल में होंगी

फर्स्ट सिक्सटीन ओवेरियल्स आर फाउंड इन फीमेल करेक्ट है समझ गए कितने होते हैं तो दोनों तरफ की दो ओवरी में ओवरी होंगे, है? पेर ओपन इन टू स्पर्मेथिका का एक पेयर जो उसकी कॉमन ओविडक्ट में प्रेजेंट होगा प्रेजेंट होगा वो ओपन कहाँ होती है इसके जीनाइटल चेंबर में होती है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ओवरीज आर एक्सटेंडेड इन फोर टू सिक्स एपडोमिनल सेगमेंट ये इनकरेक्ट है ओवरी कहाँ से कहाँ तक होती है सेकेंड से सिक्स एपडोमिनल सेगमेंट तक एक्सटेंडेड होती हैं ये इनकरेक्ट है वोनेपोफाइसिस आर थ्री पेयर एंड सीमेट्रिकल गोनेपोफाइसिस जो है वो मेल में ओनली थ्री होंगे और एसीमेट्रिकल होंगे मेल गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जिनेटेरिया जो मेल में होते हैं वो थ्री होंगे और एसीमेट्रिकल होंगे जबकि फीमेल के अंदर जो गोने होते हैं वो कैसे होते हैं वो थ्री पेयर होंगे और सिमेट्रिकल होते हैं तो ये भी करेक्ट है इनकरेक्ट जो है वो क्या है इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर एट्टी वन एटी वन है

इसलिए उसको कट करके अलग भी कर दें तो वन वीक तक वो सरवाइव कर सकता है क्लियर तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा होल्ड्स ओनली बिट ऑफ नर्वस सिस्टम केवल छोटा सा पार्ट इसमें प्रेजेंट होगा इसलिए उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और एक वीक तक उसके बाद भी वो सरवाइव कर सकता है क्लियर करेक्ट आंसर सेकेंड होगा इसका उसके बाद आप देखें एटी टू में रीड द गिवन स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ को Which of the statement given above is incorrect. इसमें भी आपको क्या देखना है इन करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कॉकरोच के डाइजेस्टिव संबंधिट्री कैनाल इज डिड इन टू थ्री रीजन थ्री रीजन होते हैं करेक्ट है फॉरगट मिडगट और हिंडगट ये करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बाद दे रखा है -like किसमें ओपन होती है क्रोप में ओपन होती है इस टाइप से इसोफेगस होती है लॉन्ग फिर उसके बाद ये क्रोप और क्रॉप के बाद ये गिजार्ड है ठीक है तो इसोफेगस ओपन इन टू ए सेक लाइक स्ट्रक्चर क्रोप ये भी करेक्ट है द हैंड हैंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट ये भी करेक्ट है हैडगट जो है वो मिडगट से ज़्यादा चौड़ी होती है और तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है इलियम कोलन और रेक्टम में उसके बाद है द रेक्टम ओपन थ्रू द एनस रेक्टम बाहर जो है वो किसके थ्रू ओपन होता है रेक्टम जो है वो सबसे बाहर की तरफ जो ओपन होगा वो एनस के थ्रू ओपन होता है इसमें क्लोई नहीं होता में क्लियर बात किसकी करोच के रेफरेंस में बात कर रहा है तो कॉकरोच के रे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें जो है वो इसके लिए करेक्ट है पूछ क्या रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है इट मींस आंसर आ जाएगा नन क्लियर यहां तक फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा कोई भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री हिमोलिम्फो कोक्रोच कंटेंस इथ्रोसाइट्स ऑफ प्लाज्मा इनकरेक्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ओनली इनकरेक्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कोक्रोच में होते ही नहीं है कोक्रोच क्या आर्थ्रोपोडा में ही नहीं होते क्लियर यहां तक आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन में ब्लड का कोई रोल नहीं होता क्लियर क्यों क्योंकि ब्लड है वो उनका हिमोलिम्फ लाइक -like होता है लिम्फ लाइक ब्लड होता है जिसमें किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता क्लियर उसके बाद एंड हीमोसाइड्स लूकोसाइड्स एंड प्लाज्मा ये भी इनकरेक्ट है इसमें हिमोसाइड ल्यूकोसाइट जो है वो इसमें ये ल्यूकोसाइट है वो इसमें नहीं होती क्लियर अगला है हीमोसाइड्स एंड प्लाज्मा ये करेक्ट है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ क्लियर तो ये इसमें 83 में जो है वो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया अब इसके बाद आप देखें 84 84 आर 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 हियर एंड बी रेस्पेक्टिवली पोलिप ध्यान होगा आपको सिलेंड्रिकल बॉडी सेप होती है और ए सेक्सुअल होते हैं पोलिप जो है वो क्या होंगे एसेक्सुअल होंगे और बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है ऐसे इस टाइप से होंगे पोलिप ये इस टाइप से पोलिप स्टेज होती है और मेडूसा जो है वो कैसे होंगे ये इनमें अम्ब्रेला सेप्ड होंगे तो मेडूसा जो है वो अम्ब्रेला सेप होंगे और इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं पोलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनमें आप देखिए पोलिप्स आर ए ए में क्या आना चाहिए अम्ब्रेला सेप्ड गलत है सिलेंड्रिकल गलत है ए सिलेंड्रिकल के साथ सेक्सुअल दे रखा है पोलिप में इसलिए गलत है ये क्यों क्योंकि कैसा होता है पोलिप जो है हमेशा ए सेक्सुअल होते हैं थर्ड दे रखा है सिलेंड्रिकल ए सेक्सुअल अम्बरेला सेब्ड ए सेक्सुअल थर्ड भी गलत है अम्ब्रेला सेब्ड में भी ए सेक्सुअल दे दिया इसलिए गलत है चौथा ऑप्शन देखें सिलेंड्रिकल के साथ ए सेक्सुअल करेक्ट है पोलिप स्टेज ए सेक्सुअल भी है और सिलेंड्रिकल भी है अम्ब्रेला सेब्ड और सेक्सुअल ये करेक्ट है चौथा ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा पोलिप जो है वो कैसे होते हैं सिलिंड्रिकल भी होते हैं और इसके साथ साथ ए सेक्सुअल होते हैं और मेडुसा अम्ब्रेला सेफ्ट होंगे और अम्ब्रेला सेफ्ट होने के साथ साथ कैसे होंगे सेक्सुअल होते हैं तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ क्लियर अब इसके बाद आप देखें 85 85 में एस्केरिस इज शुडोसिलोमेट एंड सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होता उसके बाद है साइजोसिलोमेट एंड बाइलेट्रली सिमेट्रिकल बायोलेट्रिकल बाइलेट्रल सिमेट्रिकल होता है लेकिन साइजोसिलोमेट नहीं होता कैसा होता है ये जो है वो सुडोसिलोमेट होता है थर्ड ऑप्शन है सुडोसिलोमेट बायोलेट्रली सिमेट्रिकल ये सही है दोनों सुडोसिलोमेट भी होता है क्योंकि रियल बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट नहीं होती ट्रू सिलोम नहीं होती तो सुडोसिलोमेट होंगे और बाइलेट्रली सिमेट्रिकल होंगे एंटेरोसिलोमेट एंड रेडियली सिमेट्रिकल ये भी नहीं होगा तो ये इनमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा शुडोसिलोमेट होता है इसके स्केरिस और उसके साथ साथ बाइलेट्रल सिमेट्रिकल होते हैं बाइलेट्रल सिमेट्री कहां से शुरू हो जाती है प्लेटी एलिमिंथिस से स्टार्ट हो गए तक बाइलेट्रल सिमेट्री होती है इनमें जो है वो बाइलेट्रल सिमेट्री प्लेटी एलमिंथिस से कोरडेटा तक स्टार्ट हो गई और जो प्लेटी एलमेंथिस है वो ए और एस में शुडोसिलोमेट होते हैं

वो किन किन में प्रेजेंट होती है तो इनमें आपको ध्यान होगा प्ले, प्ले, और उसके आगे के सारे एनिमल्स है उनमें ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक एक्सटेंडेड होती है क्लियर तो फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल

ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान होगा क्लियर उसके बाद आप देखें एट्टी सेवन विच ऑफ इज ट्रू सिलोमेट सिलोमेट एनिमल एनिमल ग्रुप ग्रुप ट्रू जो है वो कौन से होंगे ट्रू सिलोम कहाँ से डेवलप होती है देखिए सबसे पहले ए सिलोमेट होते हैं प्लेटी एलमथिस सिलोमेट एस्कलीडा आर्थोपोडा मोलस का ये साइजोसिलोमेट ट्रूसिलोम होती है इनमें और एक होता है सिलोम का टाइप एंटेरोट सिलोम। एंटेरो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं एंड क्लियर साइजो और दोनों ही किस में आती हैं ट्रू सिलोम कहेंगे इनको दोनों को ट्रू सिलोम कहेंगे इट मींस कहां से आगे का एनेलिडा और एनेलिडा से आगे के एनिमल्स है वो इसमें इंक्लूड होंगे क्लियर यहां तक तो ट्रू सिलोम जो है वो किस में प्रेजेंट होगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़

सिलोम नहीं होती। इसका मतलब जो जो है वो है? Answer जो है वो वो क्या आना चाहिए? हो जाएगा, जिसमें आर्थ्रोपोडा, इन तीनों ही फाइलम में प्रेजेंट होगी क्लियर तक करेक्ट तो आंसर क्या आ जाएगा <coughs> Second answer इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग फाइला चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिन इनमें से कौन सा फाइला जो है इन फाइला विचार करें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें पहला दे रखा है टीनोफोरा सेकेंड फाइला निडीरिया थर्ड फाइलम प्लेटियल फोर्थ एसकेलमें क्लियर अब इनके ऑप्शन आपको देखने हैं कि कौन से इनके लिए करेक्ट सेट होते हैं पहला है ए एंड बी इनकरेक्ट हो गया क्यों क्योंकि टीनोफोरा में नीडोब्लास्ट नहीं होती टीनोफोरा का नाम ही ए निटेरिया है की तरह कुछ करेक्टर होते हैं इनमें लेकिन नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होने के कारण ये ए निटेरिया होता है तो नीडोब्लास्ट इसमें केवल सिलेंडेटा में होती है टीनोफोरा में नहीं है अगला देखिए सी एन डी आर एंडोपेरासाइड्स मोस्टली एंड सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सीओ सी एंड डी प्लेटी एलमेंथिस और एस के दोनों में अधिकांश मेंबर जो है वो इनके कैसे होते हैं हिंडो पैरासाइट होते हैं बॉडी के अंदर के पैरासाइट है एंड सोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसके साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी बॉडी के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो ये करेक्ट है ए सी डी आर मोनोसियस ए सी डी मोनोसियस का मतलब डिलिंग ही द्विलिंगी बाइसेक्सुअल में ए तो है टीनोफोरा द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस होता है सी प्लेटियलमिंथिस ये बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन एस के एलमिंथिस इसमें बाइसेक्सुअल या मोनोसियस नहीं है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया उसके बाद आगे आ जाए क्योंकि एसके एलमिंथिस कैसा होता कैसा होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं ये डाइशियस या यूनिसेक्सुअल होंगे तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो गया बी एंड सी सो

करेक्ट हो गया कि प्लेटी एलमेंथिस एसके एलमेंथिस के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपेरासाइट और इसके साथ साथ क्या शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं क्लियर आप तक तो करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा इसका अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 89 89 है एंडोस्केलेटन ऑफ स्पोंजेस इज मेड अप ऑफ स्पंज या पोरीफेरा का एंडोस्केलेटन जो है वो बना होता है स्पंजों का, का endoskeleton है वो किससे बना होता है तो जो होता है अंतकंकालीन का वो किससे बनता है कंटिकाओं से या से बना होता है, तो, है करेक्ट आंसर से इसका सेकंड हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर नाइनटी फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स इज सेल्स प्रेजेंट होती है प्लेटी हेलमिथिस फ्लैम सेल्स प्रोटोनिया या सोलेनोसाइड है वो प्लेटी प्रेजेंट होगी और क्या काम करती है एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेग्यन उत्सर्जन करेगी और उसके साथ साथ परासरण नियमन का काम करती है तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मो का फंक्शन में फ्लैम सेल्स का होगा तो फ्लैम सेल्स के फंक्शन में करेक्ट का आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेग्यशन

उसके बाद यह हुआ है बाइलेट्रल सीमेट्री तो बायोलेट्रल सिमेट्री जो है वो किस में होती है एस्किल में भी है एनिलिडा में भी आर्थ्रोपोडा में भी मोलस्का में भी इकाइनोडेटा के लार्वा में है, ठीक है और हेमिकोडेटा में इनके अंदर प्रेजेंट होंगे एंड विद ट्रू सिलोम बिलोंग टू फाइला ट्रू सिलोम भी होनी चाहिए साथ साथ में वो कौन से फाइलम से रिलेटेड में अब आप देखो एनालीडा में ये दो चीजें तो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बाइोलेटरल सिमेट्री है और उसके साथ साथ ट्रू सिलोम भी है तो एनलीडा में ये तीनों कैरेक्टर है प्लेटी एलमिंथिस में ट्रू सिलोम नहीं है इसमें प्लेटी एलमिंथिस में बाइलेट्रल सिमेट्री भी है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इसमें केवल जो है वो बायोलेट्रल सिमेट्री है ट्रू सिलोम भी नहीं है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है टीनोफोरा में नहीं है और एस जो है उसमें ट्रू सिलोम नहीं होके क्या है फाल्स सिलोम होती है है। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब आप देखें 92, नाइनटी टू में दिया हुआ है मैच कॉलम फर्स्ट सबसे पहले एक्वेटिक एनेलिड एक्वेटिक एनेलिड है वो इसमें कौन सा होगा जलीय एनेलिड है वो होगा इनमें पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग ये फोर्थ हो गया मोनोसियस मोनोसियस जो है वो कौन सा होगा मोनोसियस में मोनोसियस का मतलब क्या हो गया जंतु तो जो है वो leech, ये किसका नाम है को जो है वो ब्लड सकिंग लीच कहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आंसर होना चाहिए ए के साथ थर्ड कर इसके साथ से? ये मैचिंग होगी ए के साथ थर्ड उसके साथ बी के बाद फोर्थ थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड ये इसमें थर्ड आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा फाइलम के लिए कितने कथन सही है सबसे पहला है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल

डेवलपमेंट इज ओनली डायरेक्ट ये इनकरेक्ट है क्योंकि तो आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं कई मॉस्किटो है फ्लाइज है इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ आर्थ्रोपोड्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होते हैं क्लियर है इसमें क्या दे रखा है केवल प्रत्यक्ष परिवर्तन ओनली डायरेक्ट डेवलपमेंट दे रखा है इट मीनस ये भी गलत हो गया पूछा क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है वो कितने हैं मैं? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तीसरा करेक्ट है इसका मतलब कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर तो 93 में आंसर हो गया फर्स्ट आगे आप देखें 94 94 है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशनिकोरडेटा इज प्लेस्ड एज पहले के क्लासिफिकेशन में हेमिकोडेटा को कोर्डेटा का एक सब फाइलम माना था शुरू के जो क्लासिफिकेशन किए गए थे उसमें हेमी कोडेटा को लेकिन क्लासिफिकेशन में फाइल उसमें क्लासिफिकेशन में क्या है किसका पार्ट है नॉन कोडेटा के पार्ट है और नॉन कोडेटा के अंदर ये उसका जो है वो सेपरेट फाइलम है तो इसमें क्या जाएगा करेक्ट आंसर सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर डेटा करेक्ट आंसर थर्ड होगा इसका नॉन कोर डेटा में ये एक सेपरेट फाइलम हो गया क्लियर इसके बाद आप देखें 95, 95 में इसमें दिया हुआ फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस्ट इन आर्थ्रोपोड्स आर्थ्रोपोडा में स्टेटोसिस्ट है क्या काम करती है तो आर्थ्रोपोडा में हो मोलस्का में हो स्टेटोसिस्ट जो है वो अपने आप में एक बैलेंसिंग बॉडी ऑर्गेंस है बॉडी को बैलेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन जो है वो स्टेटोसिस्ट होता है तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है क्लियर उसके बाद आप देखें वन बिलोंग टू मोलस्का इनमें से कौन सा मोलस्का से बिलोंग करता है डेविल फिश जो है वो इनमें मोलस्का है डेविल फिश ऑक्टोपस जो होते हैं वो इनमें मोलस्का होते है, हैं और सिल्वर फिश है सिल्वर फिश जो है वो क्या है लेपिशमा है एक इंसेक्ट है जो आर्थ्रोपोडा है डॉग फिश स्कोलिडोन मछली है जो किस में आती है पीसीज में जेलीफिश है जो किस में आता है जेलीफिश है जो सिलेंटेटा का मेंबर है तो करेक्ट आंसर मोलस्का से कौन सा बिलोंग कर रहा है इनमें तो डेविल फिश होगी फर्स्ट आंसर करेक्ट है डेविल फिश या ऑक्टोपस जो है वो इसमें आता है क्लियर उसके बाद देखें नाइनटी सेवन नाइनटी सेवन है Which one is से कौन सा है। सब, सब से पहला है, Lacifer Lacifer जो है बॉम्बिक्स सिल्क का प्रोडक्शन करता, करता, करता है और एपिस पायला ग्लोबोसा जो है पर्ल का प्रोडक्शन ये गलत है पर्ल का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है यूनियो से परल का प्रोडक्शन होता है समझ गए यूनियो जिसे फ्रेश वॉटर मसल्स कहेंगे वो इनके अंदर जो है वो पर्ल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है टाइलस से पर्ल का प्रोडक्शन नहीं होता पाइला जो है वो आगे शंख वगैरह बना सकता है इसका प्रोडक्शन इससे नहीं होता ये पीस हनी और वैक्स इनका प्रोडक्शन होता है तो ये सही है ये सही है ये सही है, है। मिसमैच्ड पेयर पूछा है तो मिसमैच पेयर है वो कौन सा हो जाएगा सेकंड हो गया पाइला से पर्ल प्रोडक्शन नहीं होता परल प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है यू नहीं होता ठीक है थीके? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 रिकॉग्नाइज द फिगर इस फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है दिस इज ए वेक्टर सबसे पहले तो बताओ आप ये फिगर किसका है एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है आपके ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है जो एक लोकस्ट या किड्डा होता है ये एक लोकस्ट एक टिडा है जो एक ग्रिगेरियस पेस्ट होता है यूथी पीड़क है गए तो ये ग्रिगेरियस पीड़क या यूथी पेस्ट ग्रिगेरियस पेस्ट या यूथी पीड़क होता है तो इनमें दिस इज ए वैक्टर वैक्टर नहीं है लिविंग फोशल नहीं है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी नहीं है ग्रिगेरियस पेस्ट है ये नुकसान पहुंचाने वाला एक फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला एक पीड़क है और ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला पीड़क है वो क्या काम कर सकता है ये एक साथ झुंड में आके जो है वो खड़ी फसलों को नष्ट कर देता है तो ये ग्रिगेरियस पेस्ट में शामिल होता है तो करेक्टर so का ये नाम किस कारण दिया गया है तो इकाइनो का ये नाम जो दिया गया है वो ध्यान आपको इकाइनो में जो टर्म है ये होती है इकाइनस एकाइनस प्लस डर्म प्लस एटा ये तीन टर्म है इसमें एकाइनस प्लस डर्म प्लस एटा एकाइनस का मतलब होता कांटे डर्म मतलब त्वचा एटा धारण किए हुए तो त्वचा पर कांटे होते हैं इसलिए इसको नाम दिया गया इकोइनोडर्मेटा क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ स्पाइनी बॉडी तो स्पाइनी बॉडी होने के कारण जो है उसको नाम दिया गया इकोइनोडर्मेटा क्वेश्चन नंबर 100 फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डाइशियस एनिमल्स डाइशियस एनिमल्स का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल डायशियस का मतलब जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा और मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल तो फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डायशियस एनिमल्स इनमें से डायसियस एनिमल्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है नीरीज और बैलोनोग्लोस दोनों डाइशियस या यूनिसेक्सुअल है फैशियोला अर्थफॉम दोनों ही बाइसेक्सुअल या मोनोशियस है निरीज यूनिसेक्सुअल है लेकिन फेशियोला बाइसेक्सुअल है टीनिया और हीरोडीनेरिया दोनों बाइसेक्सुअल है क्लियर तो इनमें से यूनिसेक्सुअल या डाइशियस एनिमल्स जो है वो निरीज और बैलोनोग्लोस दोनों ही यूनिसेक्सुअल है ये एनलीटा का मेंबर है ये हेमिकोडेटा का मेंबर है क्लियर यहाँ तक तो दोनों जो है वो क्या होंगे डाइशियस या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होंगे क्लियर उसके बाद आप देखें

ियस इंफ्रा क्लास है जिनको हम कॉमनली मार्सुपियलियर तक पहला ऑप्शन दे रखा है, है, है और उसके साथ साथ फोर चेंबर डाइट होता है करेक्ट है क्योंकि मेमल्स और एवीज दोनों ही क्या होते हैं होम्योथर्मल होते हैं तो ये करेक्ट है फोर चेंबर डायट है ये करेक्ट हो गया क्लोयका इज प्रेजेंट ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्लोएका मेमेलिया में केवल प्रोटोथिरिया में प्रेजेंट होते हैं जो ओर्निथोरिंकस प्लेटिपस जो होते हैं उनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होते हैं बाकी सब मेमेलिया में क्लोएका की बजाय जो है वो क्या होते हैं एनस प्रेजेंट होते हैं बाकी सब में क्लोएका की बजाय जो है वो क्या होते हैं एनस प्रेजेंट होते हैं केवल इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट है क्लियर यहाँ तक उसके बाद पिना आर प्रेजेंट ये भी करेक्ट है देख रहे हो आप इना इनमें प्रेजेंट होंगे सेक्सेज आर सेपरेट सेक्सेज आर सेपरेट यूनिसेक्सुअल होंगे तो मेल फीमेल सेपरेट होंगे नहीं, ये भी करेक्ट तो स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर उसके बाद आप देखें वन जीरो टू वन जीरो टू में वन जीरो टू में इसमें फाइंड द इनकरेक्ट मैच इनमें से इनकरेक्ट मैच को देखना है आपको इनकरेक्ट मैच में पहला दे रखा है एप्टीनो पेंगुइन करेक्ट है एप्टिनो है वो किसका जोलॉजिकल नेम है पेंगुइन का जोलॉजिकल नेम है फेलिस केट ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है टोर्पीडो स्टिंगरे ये इनकरेक्ट है क्लेरियस मागुर ये करेक्ट है टोर्पिडो का कॉमन नेम जो होता है होता है इलेक्ट्रिक ईल टोर्डो का कॉमन नेम इलेक्ट्रिक ईल होता है स्टिंग रे जो है वो किसके लिए आता है Stingray जो नाम है वो किसके लिए है Stingray जो है वो दंश मछलियां होती है जिनको क्या कहते हैं हम पॉइनस या ये स्टिंग रे है वो कौन सी मछली है ये इनके अंदर दंश मछलियां जो है वो कहा जाता है ट्राइगोन को तो ये ट्राइगोन का कॉमन नेम है स्टिंग रे टोरपीडो का कॉमन नेम होता है इलेक्ट्रिक तो करेक्ट आंसर क्या पूछा है इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा है इनकरेक्ट मैच है थर्ड बाकी सारे करेक्ट मैचिंग आगे देखें थ्री वन जीरो थ्री में आप देखिए इसमें ऑब्जर्व द चार्ट गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन इसमें करेक्ट सेट आपको ऑप्शन का देखना है यहां आप देखिए को दो में बांट रखा है एग्नेथा और तो एक ही जगह तो सीधा सीधा क्या जाएगा एक ही जगह सीधा सीधा आ जाएगा एग्नेथा ये तो है एग्नेथा उसके बाद एग्नेथा और फिर गनेथु स्टोमेथा, गनेथु स्टोमेथा को दो में बांट रखा है एक पीसीज़ और दूसरा जो है वो बी की जगह क्या आएगा टेट्रापोडा То, इसको दो में बांट दिया गनेथोस्टोमेटा को पीसीज और टेट्रापोडा में अब उसके बाद जो है वो पीसीज़ को दो में बांट रखा दिया कॉन्ड्रिक और ओस्टिक उसके बाद टेट्रापोडा को चार में बांट दिया एम्फीबिया रेप्टिलिया डी क्या जाएगा इसमें रेप्टीलिया तो एम्फीबिया रेप्टिलिया और मेमेलिया एवीज और मेमेलिया ये चार क्लासेस की हो अब आपको देखना है पहला ऑप्शन देखें ए प्रोटोकॉर्डेट्स गलत है प्रोटोकॉर्डेट बटीपेट में होता ही नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया पहला तो सेकंड में दे रखा है ए एग्नेथा सही है सी प्लेकोडर्मी सी प्लेकोडर्मी नहीं है ऑस्टेक्थीज है इसका मतलब सेकंड भी गलत हो गया उसके बाद थर्ड में देखें ए एग्नेथा एक ने था सही है सी ऑस्टिक थी सी की जगह ऑस्टिक थी ये भी सही है और डी की जगह रेप्टीलिया तो तीसरा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा इसमें दे रेखा बी तो में में नहीं होगी तो बी में टेट्रापोडा होगा तो यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा जो इनको सही सही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर वन जीरो थ्री के बाद आप देखें वन जीरो फोर है द सुपर क्लास टेट्रापोडा बियर लिम्स

टेरोपस जो है वो टेट्रापोडा का कौन सा मेंबर है जो इनके अंदर जो मेमेलिया का मेंबर है तो इसका मतलब इनके अंदर इन जो है वो इक्थियोफिस के अलावा बाकी सब में जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो गया इसमें नाजा बंगेरस कैमिलियन इसमें नाजा और बंगेरस में नहीं होते लेकिन कैमिलियन में लिम्स प्रेजेंट है थर्ड में वाइपेरा पाइथन और इक्थियोफिस इनमें तीनों में लिम्स नहीं होते हैं

ये प्रोटोकोडेट्स या एक्रेनिएटा होते हैं एक्रेनिएटा है, या प्रोटोकोलडेट्स में वर्टिबल कॉलम नहीं बनती क्लियर यहाँ तक तो वर्टिबल कॉलम दे दिया इसका मतलब ये गलत हो गया ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ ये थ्रू आउट लाइफ भी नहीं होती नोटोकोड प्रेजेंट होती है वो भी लार्वल स्टेज में होती है क्लियर यहाँ तक तो सेकेंड इनकरेक्ट हो गया तो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड में करेक्ट इनकरेक्ट देखना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो गया

ये ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम नहीं अभी ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटी एलमेंथिस में क्लियर आ तक तो प्लेटी एलमेंथिज में इनमें से ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा निडेरिया में टिश्यू लेवल टीनोफोरा में टिश्यू लेवल पोरीफेरा में जो है वो सेलुलर लेवल और प्लेटी एलमथिस में ऑर्गेन लेवल क्लियर उसके बाद हो गया इसमें अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम इन फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस प्लेटी हेलमेंथिस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण इनका बॉडी प्लान है वो कैसा होगा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में केवल वन ओपनिंग होती है माउथ होता है एनस इसमें नहीं होता क्लियर तक तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस उट साइडीक्ट आंसर हो जाएगा Second, होती है इसमें माउथ होता है, होता है. Members, ये है. कुछ में ही एबसेंट होती है समझ गए ना ओपन थ्रो एक्सक्रीट रिपोर्ट ये भी गलत है तो सही जो है वो कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया उसके बाद देखिये वन जीरो स्ट्रक्चर एक्सक्रिटी स्ट्रक्चर के रेफरेंस में करेक्ट मैच जो है वो आपको छांटना है फेशियोला एक्सक्रिटी ट्यूब गलत है में होती है एक्सक्रिटी ट्यूब एनसाइलोस्टोमा फ्लेम सेल्स ये भी इनकरेक्ट है एनसाइलोस्टोमा क्या है एनसाइलोस्टोमा जो है वो किसका मेंबर है एस्केल का उसमें होती है एक्सक्रीट ठीक है फ्लेम सेल्स होती है फेशियोला में तो दोनों गलत हो गए लेसिफर लेसिफर एक इंसेक्ट है लेसिफर लाता सेक्ट होता है जिसमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो गया ये करेक्ट है आर्थ्रोपोडा में इसमें इंसेक्ट में सब में मेलपीजियन से एक्सक्रीशन है सबोप्लूराटोप्लूरा जो है वो किसका मेंबर है मोलस्का का मेंबर है और इसमें दे रखा है प्रोबोसिस ग्लैंड तो प्रोबोसिस ग्लैंड इसमें नहीं होती प्रोबोसिस ग्लैंड किसका करेक्टर है प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो इसके एक्सक्रीशन के लिए किसमें होती है ये हेमिकोडेटा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या रहेगा करेक्ट मैच विद रेफरेंस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो लाका क्लियर उसके बाद आप है तो कॉलम मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है वो देखिए तो तो एस्टेरियस क्या जाएगा एस्टेडियस के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एबेंट इकाइनोडोमेटा ना तो इक सिस्टम एबसेंट उसके बाद साइकन साइकिल में कैनल सिस्टम एपिस ज्वाइंटेड अपजेस और निरीज पैरापोडिया क्लियर अब इसमें आप देखिए पहला एस्टेरियस थर्ड ए के साथ थर्ड बी के साथ सेकेंड ए के साथ थर्ड बी के साथ सेकेंड सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ फोर्थ पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा इसका क्लियर अब इसके बाद देखें नेक्स्ट 111 इसमें देखिए आप दिया हुआ है इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लार्जेस्ट फाइलम द बॉडी कंसिस्ट ऑफ इट मींस लार्जेस्ट फाइलम की बात आ गई तो आपको क्या बताना है आर्थ्रोपोडा की बात करनी है तो इनमें पूछा है लार्जेस्ट फाइला में बॉडी कितने पार्ट में बनी होती है कितने पार्ट से बनी होती है हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन क्लियर तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन और उसके बाद आप देखें 112 इसमें 112 में इसमें दिया हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको कोडेटा के लिए देखना है तो क्या बताएंगे नोटो कोड इज डोरसल टू नर्व कोड इनकरेक्ट देखना है नोटो कोड इज डोरसल टू नर्व कोड क्या होना चाहिए नर्व कोड जो है वो डोरसल होती है नोटो कोड उसके वेंट्रल होती है तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया हैं नोटो कोड इज डोरसल टू गट नोटो कोड है वो गट के एलिमेंट्री केनाल के डोरसल के, होती है ये करेक्ट है तो ये इसमें करेक्ट हो गई नर्व कोड इज डोरसल टू गट नर्व कोड भी गट के क्या होगी दोनों ही डोरसल भी होती हैं लेकिन नर्व कोड सबसे ऊपर की तरफ होती है डोरसल उसके बाद नोटो कोड होती है नोटो कोड है वो नर्व कोड के वेंट्रल है जबकि क्या दे रखा है नोटो कोड इज डोर्सल टू नर्व कोड ये गलत है इसके वेंट्रल साइड में होंगे नोटो कोड इज डोर्सल टू गट नर्व कोड इज डोर्सल टू गट ये भी करेक्ट है उसके बाद है नर्व कोड इज डोर्सल सिंगल एंड होलो कोडेटा में नर्व कोड जो है वो कैसी होगी डोर्सल सिंगल एंड होलो ये भी करेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होगा इसका फर्स्ट हो जाएगा कि नोटो कोड जो है वो नर्व कोड के डोर्सल में नहीं होके उसके वेंट्रली होती है क्लियर यहां तक पहला ऑप्शन करेक्ट है उसके बाद आप देखें 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोलेस वर्टिब्रेट इनमें से जोलेस वर्टिब्रेट कौन सा हो जाएगा पेट्रोमाइजोन जो है जोलेस वर्टिब्रेट है साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट 114 है, from in से किसकी प्रेजेंस में डिफरेंट है ऑस्टिक yani, थीज का है ना कि कॉन्ड्रिक इन करेक्ट एयर ब्लेडर ये भी ओस्टिक थीज में होती है कॉन्ट्रिक थीज में नहीं होती है.

वो ये उससे डिफरेंट है कि जो ऑस्टिक थिज में नहीं होता लेकिन कॉन्ड्रिक थिज फिश होती है उनके मेल में होता है इसीलिए कॉन्ड्रिक थिज फिश है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकती है और ऑस्टिक थिज फिश है वो हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है क्लियर तो ये करेक्ट आंसर हो गया थर्ड इसका उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर वन सिंपल एपिथिलियम इज प्रेजेंट इन ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट इनमें से सिंपल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ऑल द फॉलोइंग रीजनस एक्सेप्ट कौन से एक के अलावा सब में सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है स्टमक में सिंपल एपिथेलियम होती है करेक्ट है फेलोपियन ट्यूब में सिंपल एपिथेलियम होती है ये भी करेक्ट है एयर सैक ऑफ लंग्स सिंपल एपिथेलियम होती है स्किन कंपाउंड एपिथेलियम होती है क्लियर यहां तक तो किस एक को छोड़कर सब में सिंपल एपिथेलियम होती है इट मींस स्किन के अलावा बाकी सब में सिंपल एपिथीलियम है इसका मतलब करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया अब इसके बाद आप देखें 116 116 एपिथीलियम रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसिस एब्सेंट इन इट मींस किसकी बात कर रहा है कंपाउंड एपिथीलियम की अब इनमें आपको देख रहे हैं कंपाउंड एपिथीलियम ये पूछ रहा मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसिस एब्सेंट इन किस में ये

फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 117 ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस विंग्स आर यूज्ड इन फ्लाइट इन हंड्रेड आर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो उड़ने में सहायक विंग्स होते हैं यानी दो पेयर विंग्स के होते हैं एक पेयर जो फोर विंग्स होता है जो से राइज होता है वो उड़ने में हेल्प नहीं करता वो केवल बॉडी को कवर करने में हेल्प करता है इसलिए उसको है, कवरिंग उड़ने में हेल्प करते हैं, जो इसकी फ्लाइट के साथ होते हैं कौन से विंग्स होते हैं वो ये विंग्स होते हैं और हैंड विंग्स किससे राइज होते हैं मेटाथोरेक्स से तो कौन से होंगे मीजोथोरेसिक विंग्स गलत है मेटाथोरेसिक विंग्स विंग्स जो है वो कौन से होंगे मेटाथोरेसिक विंग्स को जो है वो हाइंड विंग्स कहेंगे सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर यहां तक उसके बाद नेक्स्ट 118 118 में ग्राइंडिंग ऑफ फूड फर्स्ट अकर्स बाई विच स्ट्रक्चर इन कोक्रोच अब इसमें आप एक चीज ध्यान दे लें कि इनके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ ग्राइंडिंग ऑफ फूड फर्स्ट अकर्स बाय व्हिच स्ट्रक्चर इन कॉकरोच पहली बार फूड की ग्राइंडिंग जो है वो कॉकरोच में कहां होती है तो पहली बार जो ग्राइंडिंग होती है इसमें याद दिया फर्स्ट अकर्स बाय व्हिच स्ट्रक्चर तो पहली बार जो ग्राइंडिंग होती है वो मैंडिबल से होती है और दूसरी बार जो ग्राइंडिंग होती है वो गिजार्ड के काइटिनस टीथ से होती है गिजार्ड के अंदर जो काइटिनस टीथ होते हैं अंदर की तरफ ऐसे वो वो टाइम जो ग्राइंडिंग होगी इनसे होती है लेकिन फर्स्ट टाइम की जो ग्राइंडिंग है वो कौन करेगा हो पूछा क्या फर्स्ट टाइम जो ग्राइंडिंग रही है वो कौन कर रहा है तो इसमें क्या जाएगा हो जाएगा हो क्लियर यहां तक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जिसको हम कहेंगे उनसे निकलने वाली नर्व जो है वो कौन से पार्ट में जाएगी एंटीना में लेब्रम में और उसके साथ साथ कंपाउंड आई में तो एंटीना कंपाउंड आई और लेब्रम में जाती है तो पहला ऑप्शन ही दे रखा है एंटीना एंड एंट कंपाउंड क्लियर यहां तक दूसरे ऑप्शन में लेब्रम लेबियम दे रखा है लेबियम में नहीं जाती है तो ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया एंटीना में जाएगी एक कंपाउंड आई में जाएगी एक लेब्रम में जाएगी तीन पेयर पेर होती है एक पेयर एंटीना में एक पेयर कंपाउंड में और एक पेयर लेब्रम में क्लियर तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा इसका। उसके बाद है 120 ऑन लैंड रेस्पायर स्पाई अगर पानी में रहता है फ्रॉग, तब तक तो वो स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर कर लेता है लेकिन जब वो लैंड पे होता है टेरेस्ट्रियल में होता है उस टाइम जो है वो फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन करेगा गिल्स से भी करेगा ए सॉरी स्किन से करेगा लंग्स से करेगा और बक्कल कैविटी से करेगा तो स्किन लंग्स एंड बक्कल कैविटी इन तीनों से रेस्पिरेशन जो है वो लैंड पर रहते हुए कर सकता है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारा आपके कंप्लीट हो गया पेपर अब इसमें आपने देखा होगा टॉपिक वही दो चैप्टर है एनसीआरटी बेस्ड पेपर है और इसमें यह है कि अगर ये 120 क्वेश्चन आपने सही तरीके से कर लिए हर क्वेश्चन को बारीकी से समझ लिया तो आपके इन चैप्टर में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे क्लियर ओके थैंक यू